जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए जुड़ने के लिए एक बार फटाफट से सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड स्वयं ने पूछा है कि मैम आज ऐप पर पेड बैच का क्लास क्यों नहीं था बेटा क्लासेस तो सारी हुई है हो सकता है कि आपको दिखा नहीं होगा सारी क्लासेस हुई थी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा वो देख लीजिएगा और कल की क्लास में जरूर आ जाइएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरीज की हमारी जो ये सीरीज है इसका नाम क्या है द नेम ऑफ द सीरीज इज वर्ड वर्कआउट यानी कि हम अब थोड़ी सी मेहनत व कैबलरी पर करने वाले हैं मैं कुछ ऐसा आपको नहीं सिखाने वाली हूं जो कि बहुत टफ होगा और आपको कभी याद नहीं होगा जो मैंने रियलाइज किया है वोकेबुलरी को लेकर के यानी जो चीज मुझे महसूस हुई है वो ये है कि अगर आपको कोई वर्ड यूजफुल लगता है ना वो आपके दिमाग में हमेशा रह जाता है अगर आपको कोई वर्ड मजेदार लगता है वो आपके दिमाग में खुद ब खुद रह जाता है सो <coughs> so, यहां पर सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से मी <coughs> <Excuse me. coughs> <coughs> हाँ जी देखो रुद्र जो है आज की क्लास में थे भी सो एनी मूविंग ऑन लेट्स टॉक अबाउट टूडे क्लास एवरी वन एस्पिरेंट हाय रुद्र हाय सूरज पांडे अच्छा ये सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं दरअसल हमारे ठीक <coughs> है अब क्या करने वाले हैं हम लोग आज हम सीखेंगे दस ऐसे वर्ड्स जो आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं ये सिर्फ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने वाले हैं ठीक है सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है दैट इज इंटेलिजेंट राइट स्टार्ट कॉलिंग योर सेल्फ इंटेलिजेंट लोगों को लगता है कि अगर मैं खुद को इंटेलिजेंट बोलूंगी तो कहीं मुझे कोई घमंडी ना समझ ले ऐसा कुछ नहीं होता है आप सिर्फ अगर इतना कहते हैं कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं मैं एक बुद्धिमान लड़का लड़की पुरुष महिला कुछ भी हूं यू साउंड कॉन्फिडेंट आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन यू कैन डेफिनेटली सेन डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ अपने बारे में बताओ लोग इस वर्ड को छोड़ देते हैं लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं करेक्ट सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग कॉमन येट इंपैक्टफुल वर्ड यानी कि वो शब्द जिनका इम्पैक्ट होता है ठीक है नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है क्रिएटिव दिस हैज टू बी ए न्यू बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं हम तो क्रिएटिव नहीं है देखो क्रिएटिव का मतलब ये नहीं कि आप ड्राइंग पेंटिंग डांसिंग सिंगिंग कर लें क्रिएटिव का मतलब होता है जो थोड़ा सा आइडियाज को जेनरेट कर पाता हो जो कोई भी किसी भी नई फील्ड में नई चीज में नई चीज को क्रिएट कर सकने में केपेबल हो उसे क्रिएटिव कहते हैं है ना अगर तुम टीचिंग के नए मेथड बना सकते हो तुम क्रिएटिव हो तुम बात करने के नए मेथड बना सकते हो तुम क्रिएटिव हो तुम डांस के नए टेक्निक बना सकते हो तुम क्रिएटिव हो तो कुछ भी ऐसा जो कि तुम्हारी कला को तुम्हारे क्रिएशन को दिखा सके <clears throat> उसे आप क्या कहते हैं क्रिएटिव आई एम अ क्रिएटिव इंडिविजुअल आई एम अ क्रिएटिव पर्सन आई एम वेरी क्रिएटिव ये कुछ तरीके हैं इस वर्ड को यूज करने के लिए नेक्स्ट वर्ड हम अपना देखेंगे यहां पर एम्बिशस एम्बिशस हर वो इंसान है जो कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए घर बनवाना है मुझे अपने लिए गाड़ी खरीदनी है मुझे छोटे बच्चों को एजुकेशन देना है आज ही मेरी क्लास में एक बच्ची ने बहुत खुलकर बात की और उसने कहा आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ओवरऑल बिकॉज आई वॉन्ट टू फुलफिल ऑल माई पेरेंट्स ड्रीम्स मुझे अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करना है तो आई विल से दैट दैट स्टूडेंट इज एम्बिशियस एम्बिशियस नहीं होता है तो प्रोनाउंसिएशन से बचिएगा गलत कैसे बोलेंगे एंबिशियस 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 या फिर एंबिशियस एंबिशियस इज द करेक्ट प्रोनंसिएशन जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं तो हो जिनके अपने सपने हो कुछ टारगेट्स हो उन्हें पूरा करने की डिजायर हो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर डिटरमिंड आई एम अ वेरी डिटरमिंड पर्सन यानी कि मैं बहुत ही दृढ़ इंसान हूं मैं दृढ़ इंडिविजुअल हूं यानी कि अगर मैं कोई चीज ठान लेता हूं तो बस उसे पूरा करके ही मानता हूं सो सो आई एम अ इंडिविजुअल यानी कि दृढ़ निश्चित जो निर्णय ले लिया सो पूरा करके ही मानेंगे है ना तो ये अपने लिए रोज यूज करो किसी और को नहीं भी बताना है तो खुद को तो बोलो कम से कम है ना क्या होता है इससे आपको पॉजिटिव फील होता है तो देखो ये बहुत ही पुराने वर्ड्स हैं बट तुम हमेशा वही कहते हो आई कम फ्रॉम लखनऊ आई हैव कंप्लीटेड क्लास ट्वेल्व अरे बस करो है ना अब दस ऑप्शन दे रही हूं पांच अपने बारे में बताना शुरू कर देना ठीक है नेक्स्ट कंपैशनेट आज की इस बिटर दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है जानवरों को मार रहे हैं बुजुर्गों को मार रहे हैं बच्चों को मार रहे हैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है और इसके बीच में क्या वो चीजें जो हम सबको बचा सकती है दैट इज बींग कंपेशनट वी ऑल शुड बी कंपेशनट टुवर्ड्स ईच अदर कंपेशनट यानी कि सामने वाले के लिए मन में दया भाव होना आपकी मदद करने का ख्याल मेरे मन में क्यों आएगा क्योंकि मैं एक कंपैशनेट इंसान हूं अगर मुझे किसी को देखकर यह ये लगता है कि उसको खाना खिला देना चाहिए पानी पिला देना चाहिए घर जाने के पैसे नहीं है पैसे दे देने चाहिए ये किस इंसान की क्वालिटीज हैं जो कि एक कंपैशनेट पर्सन है कंपैशनेट ठीक है प्रोनाशिएशन सुनिएगा सो वी ऑल शुड बी कंपैशनट कि हम सब को कंपैशनट इंसान होना चाहिए सो so, इसे यूज करो अपने बारे में ठीक है नेक्स्ट क्यूरियस अनदर ब्यूटीफुल बट इग्नोर्ड वर्ड सब लोग यूज करके मतलब इग्नोर कर देते हैं क्यूरियस होने का मतलब सिर्फ ये सोचते हैं कि सवाल पूछने वाला नहीं जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है उसके अंदर क्या ही बचेगा वो लोग जिनके अंदर जानने की उत्सुकता होती है चीजों को जो जानना चाहते हैं वही सीखते हैं और वही आगे बढ़ते हैं अगर आप सिर्फ ऐसा कहेंगे नहीं हमको सब आता है हमें और कुछ नहीं सीखना अरे ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है हर चीज को इग्नोर करते रहेंगे तो ग्रोथ कहाँ है डेवलपमेंट कहाँ है प्रोग्रेशन कहाँ है नहीं है सो वॉट डू यू वॉन्ट टू बी आई एम अस पर्सन एंड आई वॉन्ट टू की लाइव यानी कि मैं एक जिज्ञासा को जीवित रखना चाहता हूँ लर्नर आई एम अस टीचर एंड अ क्यूरियस स्टूडेंट राइट एज अ टीचर भी मैं और जानना चाहती हूँ और एज अ स्टूडेंट भी मैं और जानना चाहती हूँ प्रोनाउंसिएशन क्या है Curious, ठीक है नेक्स्ट देखिए ऑप्टिमिस्टिक राइट हम लोग क्या करते हैं सुबह उठेंगे मेरे पास ये नहीं है मेरी जिंदगी कितनी खराब है मेरी नौकरी कितनी खराब है मेरी फैमिली कितनी खराब है मेरे दोस्त कितने खराब हैं, ये दुनिया कितनी खराब है हाई शहर कितना खराब है ओहो हमारा देश हमारी सरकार सब कुछ कितना खराब है पूरे टाइम रोते रहते हैं है ना ऑल द टाइम थिंकिंग ऑफ वॉट इज बैड अब कुछ नहीं हो सकता सब बर्बाद हो गया सब खत्म हो गया नेगेटिव आई क्लेम नो नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दीज सेंटेंसेस ओनली पॉजिटिव है ना मैं उठ सकती हूं मैं खाना खा सकती हूँ खाना बना के खा सकती हूँ दूसरों को खिला सकती हूँ सोच सकती हूँ सांस ले सकती हूँ देख सकती हूँ सुन सकती हूँ मुझे पता है सबकी जिंदगी आसान नहीं होती है बट उसके बीच में भी कड़ी जिंदगी के बीच में भी अगर आप अपने अंदर की आशा को उम्मीद को जीवित रखते हैं देन यू कैन बी सक्सेसफुल लेकिन जो लोग आशा छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता फिर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे वो तो हार मान गए राइट अगर आप नेगेटिव हो गए पूरी तरह से तो दैट इज वन वे ऑफ सेइंग यू एक्सेप्टेड डिफीट और सींगे गलती कभी मत करना अप्स एंड आर ऑलवेज देयर लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव लगे रहते हैं बट वॉट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू कैन ओवरकम डिफिकल्टीज वो नेगेटिव टाइम्स को आप ओवरकम कर सकते हो एंड वॉट यू हैव टू डू फॉर दैट यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एट ऑल टाइम्स यानी कि आपको हमेशा अच्छा समय है तो भी पॉजिटिव देखो बुरा समय है तो भी पॉजिटिव ढूंढो है ना एंड रिमेन पॉजिटिव रिलायबल फ्रेंड राइट यानी मैं विश्वसनीय हूं यानी कि एज एन एम्प्लॉई मैं नौकरी करती हूँ तो मेरी कंपनी मुझ पर यकीन कर सकती है वो मुझे जो जिम्मेदारी देंगे उसे मैं पूरा करूंगी क्योंकि मैं रिलायबल हूँ वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं मुझ पर डिपेंड कर सकते हैं एज अ डॉटर मैं बहुत रिलायबल हूँ अगर मेरे माँ बाप मुझे कोई भी काम देंगे मुझसे कोई उम्मीद करेंगे तो मैं उस पर खरी उतरूँगी क्यों क्योंकि मैं रिलायबल हूँ मेरे दोस्त अगर मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं उन्हें मेरी जरूरत है मुझसे कोई चीज़ मांगते हैं मैं तो उस पर खरी उतरूंगी क्यों क्योंकि मैं

पच्चीस वीडियोस और छह सात क्लासेस लाइव करती हूँ तो इसके बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं देख पाऊँ या बात कर पाऊँ लेकिन मेरा हर स्टूडेंट यह जानता है कि अगर तो वो मेरे ऑफिस में या मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच गए तो मैं बात जरूर कर लेती हूँ बच्चों से है ना सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज एंड यू कैन स्टार्ट वी शुड नॉट बी कंपैशनेट डीलिंग विद क्रिमिनल्स वेरी गुड एग्जाम्पल हिमांशु बट आई थिंक वी कैन बी अ लिटिल कंपैशनेट इवन विद देम right adaptable what is the meaning of the word adaptable you all should say this i am a very adaptable person he is very adaptable to ढाल मतलब ले जो कोई भी स्थिति हो अपने आप को स्वीकार कर पाए अपने उस के से कर पाए, उसे कहते हैं अडेप्टेबल सो आई एम एन अडेप्टेबल आई एम एक्चुअली वेरी अडेप्टेबल नाउ अनादर थिंग बट अनदर थिंग इज इफ़ यू आर नॉट अडेप्टू टेंड टू फील अ लॉट ऑफ डिसकंफर्ट इन ऑल द सिचुएशन कुछ लोग होते हैं न बहुत ही स्टिफ वेरी रिजिड ये नहीं अच्छा है मैं ऐसे नहीं बैठ सकती मैं ये नहीं खा सकती मैं इस तरह से नहीं जा सकती हमेशा रिजिड रहते हैं बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ढाल नहीं पाते हैं है ना और उससे क्या होता है उनके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है उनके साथ वालों के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यू हैव टू ट्राई एंड बी है हर नहीं, जहां दिल वहां पर आप अडेप्टेबल बन सकते हो इम्फेटिक लास्ट सॉरी इम्फेटिक बोला मैंने इम्फेटिक से रिलेटेड एम्पेथेटिक एम्पेथेटिक इज द वर्ड एंड वॉट इज दीनिंग अगर मुझे आज यहाँ बैठ करके ब्यूटी जो कि हमारी स्टूडेंट है या आयुषी किसी का दुख किसी की परेशानी समझ में आ रहा है मुझे समझ आ रहा है कि इस बच्चे को क्या दुख हो रहा है क्या परेशानी हो रही है तो मैं बोलूंगी दैर आई एम एन इम्पेथेटिकसन आई एम एन इम्पेथेटिक इंडिविजुअल देखो कभी कभी हम लोग बहुत हार्श हो जाते हैं या शायद ये मेरी शॉर्टकमिंग है मेरी बुराई है कभी कभी हम ये नहीं समझते कि सामने वाले का क्या स्थिति है क्या कंडीशन है और हम बस ये सोचते रहते हैं कि अरे मैंने कहा था उसने काम क्यों नहीं किया राइट right? और हम फिर उसे डांट भी देते हैं हम कभी ये नहीं सोचते कि मे बी uh, उनकी अभी सिचुएशन उस हिसाब से नहीं थी मे बी कोई अनहोनी हो गई थी मे बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड राइट बट पॉज फॉर टू मिनट्स एंड थिंक वॉट हैपन विद दैट पर्सन वाई डि दैट पर्सन बिहेव लाइक दैट तो शायद हमारे डिस्प्यूट बहुत कम हो जाए है ना तो दूसरों की स्थिति को समझने वाले इंसान को कहा जाता है एम्पथेटिकस <coughs> All these words that I've taught you today are very easy. You don't need tricks to learn these words. All you need to do is every day wake up and remind yourself ten times of these words. I'm intelligent, I'm creative, I'm ambitious, I'm determined, I'm compassionate, I'm optimistic and I'm reliable and I am adaptable and I am empathetic. okay So you just have to revise these words. टेन डेज एंड आई थिंक यू गोइंग टू बी एबल टू डिसाइड की भाई मेरे को कौन से सूट करते हैं कौन सा वाला मैं हूँ एक्चुअली और फिर आप उन्हें यूज कर सकते हैं अपने बारे में बात करते वक्त वो कैबलरी मैम इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं पता है तो मैं बोलूँ कैसे इंग्लिश में विच इज ओके नॉर्मल जब आप अंग्रेजी बोलते नहीं हो तो आपको लगता है कि मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं विच इज ओके आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप जो वर्ड बोल रहे हो जो इन हिंदी राइट इन इंग्लिश आई विल कॉल दिस कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम जितना कॉन्फिडेंटली हिंदी बोलती हो उतना ही कॉन्फिडेंटली तुम अंग्रेजी भी बोल देती हो तुम्हारे एक्सप्रेशन और टोन भी बिल्कुल उसी हिसाब से स्विच हो जाते हैं ये मैंने कैसे किया हाउ डिड आई अचीव दिस आई बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों को मेरी कहानी पता है कि मैं मतलब uh, कहानी तो आप लोगों को इस चैनल पर मैंने वीडियो बना के डाला है तो पता चल जाएगा लेकिन हाँ हमेशा ऐसा होता था आई यूज टू फील या मैं अपनी बात कैसे रखूं अपने टीचर्स के सामने अपने फ्रेंड्स के सामने मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूँ और ये कहना है मुझे ये बताना चाहती हूँ मैं मुझे आंसर आता है पर मैं बोल नहीं पा रही हूं सो so, ये सारी परेशानियां रही मेरे साथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन यू नो व्हाट कोई आपकी मदद नहीं करता है आपको पता होना चाहिए लाइफ में आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत सारे लोग हो सकते हैं बट जब आप खुद परेशानी में होते हो तो आप खुद ही उससे निकल सकते हो एंड वे आई वेंट एंड यू ऑल आर गोइंग टू से क्या स्ट्यूपेड बात बताई है ओके मैंने ईमानदारी वाली बात बताई है मैंने अपनी पहली डिक्शनरी खरीदी थी जो कि हिंदी टू इंग्लिश थी और मैं जब वो काम रेगुलर बेसिस पे करने लग गए आई नो शायद मैं लकी थी तो जब मैंने डिक्शनरी को पहले दिन खोल के ध्यान से देखा था सातवीं आठवीं की बात है उसके पहले तक नहीं पता था कि इतना डिक्शनरी वगैरह से भी पढ़ते हैं लोग सो आई ओपन द डिक्शनरी एंड आई रियलाइज कि यार पागल कहने के पंद्रह तरीके हैं पी कहने के पंद्रह तरीके हैं सैड कहने के बहुत सारे वर्ड हैं ये तो लोगों को पता ही नहीं है और वहां से जो मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि वो आज तक नहीं रुकता मैं अपने लोग खाली टाइम में बहुत कुछ करते हैं मैं भी गेम खेलती हूँ टीवी देखती हूँ बट मैं अपने खाली टाइम में डिक्शनरी डॉट कॉम पर जाती हूँ और उनके जितने भी वर्ड ऑफ द डे हैं उन्हें रिवाइज करती हूँ जरूरी नहीं कि वो मेरे दिमाग में रह जाए लेकिन बहुत सारे रह जाते हैं तो जब आप इसको अपनी एक लाइफ का हिस्सा बना लेते हो ना और मैं कभी भी नहीं कहती यार कि तुम ढाई हजार वर्ड तीस दिन के अंदर रट लो और वो तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगे बिकॉज इट डज नॉट वर्क लाइक दैट आप कंप्यूटर नहीं है आप एक इंसान है है ना आज आप जितने भी वर्ड सीखोगे हो सकता है इसमें से मुश्किल से दो आपको याद रह जाए तो वो इज ओके राइट दो याद रहेगा ना अभी रिवाइज करते रहोगे तो धीरे धीरे ढाई याद हो जाएंगे ये 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 जो PDF है 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 हम पर पर कर देंगे आपको आपको बस इतना सा करना है कि आप करो PDF अपने पास रखो ठीक जितने भी मेरे दोस्त आए हुए हैं का मैं अंग्रेजी बोलना सिखाती हूँ मैं किसी और चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ इंग्लिश बोलना कॉन्फिडेंट होना कुछ नया करना जीवन में ये जो एक कंफर्ट के पीछे भाग रहे हो ना तुम लोग अरे भाई आज मैंने एक फैक्ट देखा एक मैम है उनका पॉडकास्ट देखा तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सत्यता है इस बात में लाइक हाउ ट्रू इज दिस फैक्ट बट शी सेड एसेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ आर कंट्री आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे ऑल आर टारगेटिंग सम गवर्नमेंट जॉब है ना तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब बड़ी अच्छी है हमारे सरकार के लिए काम करो देश के लिए काम करो देश हित में काम करो बहुत अच्छा है लेकिन अनएम्प्लॉयड बैठने की आदत मत डालो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग भाई प्लीज अपनी जिंदगी जियो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दो कि तुम किस प्रकार की कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी नहीं जीनी है तुम्हें ठीक है उससे बहुत दूर रहना है तुम्हें तो हो सकता है कि आज तक तुम्हारे परिवार में किसी ने वो चीजें नहीं देखी हूं जो शायद तुम्हारी किस्मत में लिखी हो है ना तो तुम थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका भी बदलो मैं अचानक से वोबलरी से हटकर मोटिवेशन पे आ गई हूँ बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करते रहो बस कि हाँ बीस रुपए कमाए तो अट्ठारह रुपए सेव कर दिए दो रुपए में घिसपिट के जिंदगी बिता ली डोंट डू दिस ऐसा मत करो अभी क्योंकि तुम्हारी जो उम्र है यहाँ तुम्हें खुश रहना है है ना क्योंकि कल को फिर मरने की उम्र आ जाएगी तो वहां कहोगे यार अभी भी खुश नहीं हूं खुश कब होना है खुश होने का कोई टाइम नहीं होता इफ यू वांट टू बी हैप्पी जस्ट बी हैप्पी है ना <clears throat> तो है, सारी बातें हो गई हैं थोड़ा अपनी जिंदगी में अपना भला सोचो आगे का सोचो कुछ अच्छा करने का सोचो जितना आज तक तुम्हारे घर परिवार में लोगों ने कमाया उससे दस गुना कमाने का सोचो बड़ी सोच रखो ऊंचा सोचो और अचीव करो उन चीजों को अब फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे आप शब्दों को लर्न कर सकते हैं कैसे आपको उन शब्दों को यूज करना आना चाहिए ठीक है तो <clears throat> मैं फटाफट से सारी चीजें पहले आपके सामने ले आती हूँ मान लो यहाँ पे आपके सामने सात वर्ड्स हैं ठीक है अभी मुझसे कोई पूछ भी रहा है कि आ, एक सेकंड क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है तो मैंने यहाँ देखो कुछ वर्ड्स तुम्हारे सामने रखे हैं अब इसमें एक बात पे ध्यान देना पहले मैंने तीन वर्ड्स अल्फाबेट ए से रखे हैं ठीक है अभी गड़बड़ कर दिया मैंने हां ओके okay. So, मैंने तीन वर्ड जो है वो ए से रखे हैं पहला वर्ड क्या है एडवेंचर दूसरा है अमेजिंग तीसरा है अप्रिशिएट तीनों को मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना है पहले ठीक है पहले मुझे उनका उच्चारण साफ करना है अब मीनिंग समझना है एडवेंचर का अर्थ क्या होता है कोई भी साहसिक कार्य जिसमें साहस की जरूरत हो जैसे रात को 12 बजे मम्मी पापा को बिना बताए अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो वो क्या है? एन एडवेंचर sort of एक नाउन है नाउन यानी कि किसी चीज का नाम है तो जैसे तुम कहते हो कि मैं लखनऊ जा रहा हूं आई एम गोइंग टू लखनऊ वैसे ही तुम एक प्रपोजिशन की मदद से कह सकते हो आई एम गोइंग ऑन एन एडवेंचर है ना मैं एक एडवेंचर पर जा रहा हूँ कौन सा एडवेंचर बारह बजे घर से बाहर निकल रहा हूँ भाई बहुत बड़ा एडवेंचर होता है उससे ज्यादा बड़ा कुछ मत करना अभी दूसरी चीज अमेजिंग हम हमेशा कहते हैं कोई चीज बहुत अच्छी है वेरी गुड तो हटाओ नहीं बोलोगे अभी एक हफ्ते अमेजिंग बोलोगे हर चीज को कोई चीज बहुत अच्छी है खाना बहुत अच्छा है इट्स वेरी नाइस छोड़ो हटाओ इट्स अमेजिंग अद्भुत बिल्कुल माइंड ब्लोइंग वाले लेवल पे अच्छा सो अमेजिंग इज रियली नाइस रियली गुड वो कपड़े हो खाना हो शक्ल हो लोग हो संगत हो कंपनी हो तो उस सब में आप यूज करते हो अपना वर्ड अमेजिंग दिस इज अमेजिंग अब देखो एक हो सकता है कि मैं तुमसे कभी मिलूं तुमने मुझे बताया मैम आई रियली वॉन्टेड टू मीट यू तो मैं बोलूंगी अमेजिंग है ना एक मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ और तुम सोचो कि तुमने किसी को इतने प्यार से बोला कि दीदी -दी, मुझे आपसे बहुत मिलना था और ये वो और वो तुम्हें सामने से जवाब देता है अमेजिंग तो तुम्हें कैसा लगेगा वो इंसान तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं रह जाएगा लेकिन अगर मैं वहीं पर बोलूं हाउ अमेजिंग यू आर अमेजिंग दिस इज अमेजिंग यानी कि तुम बहुत अच्छे हो तुम मुझसे मिलने आए और तुमने मुझसे ये बात कही दिस इज अमेजिंग सो एक एक वर्ड पे आप किस तरीके से अपनी टोन चिपकाते हैं ये भी देखते चलिए हमेशा एक वर्ड के साथ खेलो प्ले वर्ड प्ले विद योर टोन्स क्रिएट करो अपने दिमाग में कि कल को जब तुम सिलेक्शन ले लोगे, या मान लो तुम्हारी नौकरी लग जाती है या मान लो तुम प्रेजेंटेशन देते हो तो वहां पर सामने वाला तुम्हें कैसे बोलेगा अमेजिंग है ना सामने वाला तुमसे कहेगा हर्ष यू आर अमेजिंग यू आर ग्रेट विद योर वर्क यू आर अमेजिंग विद योर वर्क है ना आगे देखते हैं चलिए अप्रिशिएट करना जैसे कुछ लोग चीजों को बहुत अ, सराहते हैं पसंद करते हैं कि यू ऑल आर वेरी नाइस आप लोग बहुत अच्छे हैं और इस तरीके से हम लोग तारीफ करते हैं ना हिंदी सराहना होता है और कॉमनली हम लोगों ने तारीफ सुना है ठीक है लेकिन अगली बार ये मत बोलो कि मम्मी मेरी तारीफ करिए आप बोलिए प्लीज अप्रिशिएट मी हम सबको शौक होता है कि मम्मी पापा हमारी तारीफ करें राइट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट Now you have to understand कि आप लोगों को भी सामने वाले को appreciate करना चाहिए यानी कैबलरी का क्लास लेकर so, सराहना करती हूँ आपकी तारीफ करती कि आपने ये सेशन प्लान किया तो अलग अलग जगह पर आप रखो इसी चीज को जैसे अच्छा आपके छोटे भाई ने आपकी हेल्प करी तो आप उसको बोलोगे ना कि भाई यार तूने मेरी मदद करी आ, इस बात की मैं बहुत तारीफ करता हूँ या आई अप्रिशिएट यू मैं तेरी बहुत तारीफ करता हूँ राइट right? आगे देखते हैं ब्यूटिफुल इज अ वेरी कॉमन वर्ड कोई भी आपको कोई चीज़ खूबसूरत लगती है मौसम अच्छा लगता है कपड़े सुंदर लगते हैं लोग सुंदर लगते हैं पेंटिंग सुंदर लगती है आप क्या बोलूँगी बोलेंगे उसे ब्यूटिफुल लेकिन ब्यूटीफुल नहीं है वो ब्यूटीफुल नहीं है इट इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल राइट सो यू हैव टू हो किसी ने बहुत अच्छा शॉट मारा है तो तुम क्या बोल सकते हो वॉट अ ब्यूटिफुल हिट वॉट अ ब्यूटिफुल शॉट एटसेट्रा नाउ ब्रिलियंट अगेन आप देखिए यहाँ पर शानदार के लिए यूज होता है तो कोई चीज जब बहुत हमें लगता है कि वाओ दिस इज ग्रैंड कोई चीज बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है तब हम कहते हैं दिस इज ब्रिलियंट राइट अगर किसी ने बोला कि यार इस बार तुम्हारे बर्थडे पे हम पांच हजार लोगों को बुलाएंगे पार्टी में और तुम्हारे लिए हम लुई विटॉन के कपड़े और परफ्यूम्स और ये सब लेके आएंगे तो आप उनको बोल सकते हो वो ब्रिलियंट आईडिया है ना <laughs> Just saying. That's a brilliant idea. So, brilliant idea. कोई चीज का स्तर हमें बड़ा लगा कोई चीज हमें बहुत grand और अच्छी लगी It's a brilliant car. That's a brilliant idea. You're a brilliant person. तो जब कोई तुम्हें बहुत दिलेर लगता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो brilliant बोलो ठीक है नेक्स्ट देखो सेलिब्रेट करना मनाना हम कहते हैं ना त्योहार मनाना जश्न मनाना कोई भी चीज को मनाना तो हम कहते हैं कि अरे तुम लोग पार्टी कर रहे हो क्या मनाया जा रहा है व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग जैसे ऑफिस में होता है आप कभी किसी के कैबिन में गए तो वो बर्गर खा रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं और दैट तो आप पूछते हो अरे भाई तुम लोग तो बर्गर वर्गर खा रहे हो पार्टी चल रही है क्या तो आप कैसे पूछते थे आर यू सेलिब्रेटिंग समथिंग क्या तुमको किसी चीज को मना रहे हो सेलिब्रेट कर रहे हो नाउ लेट मी टेल यू एवरी वर्ड्स को सही जगह पर लगाओ कि मैं आज मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आज से छह महीने बाद मैं भी त्योहार मना पाऊं या जश्न मना पाऊं तो आप बोलो आई एम वर्किंग हार्ड टूडे सो दैट आई कैन ऑल्सो सेलिब्रेट आफ्टर सिक्स मंथ्स सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग अ पर्सन देखो क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ इतने अच्छे लोग होते हैं कि हम उनको सारी उम्र चेरिश करते हैं कि थैंक गॉड मुझे ऐसी मम्मी मिली ऐसे पापा मिले ऐसे टीचर मिले ऐसे दोस्त मिले तो कभी हम ऐसे भी बोलते हैं टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माई मदर ये इतनी बड़ी चीज है मेरी मदर का मेरे जीवन में होना मेरे फादर का मेरे जीवन में होना मेरे लिए एक जश्न की बात है सो आई एम सेलिब्रेटिंग माई फादर आई एम सेलिब्रेटिंग माई मदर है ना फादर्स डे गया है अभी कल ही था फादर्स डे है ना तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पास होते हैं ये लोग तो इस तरह से आप लोगों के लिए त्योहार के लिए इवेंट्स के लिए सेलिब्रेट को यूज करिए क्यूरियस का मतलब क्या होता है जिज्ञासु अब तुम्हें तो जिज्ञासु नहीं पता होगा बट वो इंसान जिसको चीजों को जानने की इच्छा है वो सीखना चाहता है और मतलब हर चीज जानना चाहता है क्या हुआ क्या हुआ ऐसे कुछ दोस्त होते हैं ना अरे क्या हो क्या क्या हो गया उसने क्या बोला अरे वो क्या कर रहा है अरे वो कहाँ रहती है हर चीज को उनको जानना रहता है तो आप वहां पर बोल सकते हो भाई हुआ सो क्यूरियस है तो कितना ज्यादा जिज्ञासु आदमी है भाई है ना ऐसे ही कभी कभी बहुत अच्छी चीजें होती है कि छोटे बच्चे होते हैं उनको किताबों में शौक है उनको वीडियोस देखना है पर सीखना है छोटे छोटे बच्चे हैं भाई आज व्लॉगिंग कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बना ले रहे हैं अपना इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो सब कुछ जान के सीख रहे हैं तो आप तारीफ में भी बोल सकते हो ही सच अंग बॉय बट ही सो क्यूरियस यानी इतना छोटा बच्चा है बट इसको इतना कुछ सीखना है है ना सो so आप कैसे बोलेंगे कि ही इज वेरी क्यूरियस अच्छा अगर तुम्हें कभी कोई बात जाननी है कि यहां पर क्या चल रहा है मैम क्या पढ़ा रही है मैम आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर यू टीचिंग यानी मैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हूं इच्छुक हूं कि आप क्या पढ़ा रही हैं, है ना तो यहां पर ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताया मैंने क्या बोला कि जब तक इनको सिचुएशन से रिलेट नहीं करोगे ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करोगे और हमेशा ये मत सोचो कि सेंटेंस में बोलूंगा एक वर्ड को मैं सेंटेंस में नहीं बोला जाता है वर्ड वर्ड बोला जाता है आप खाली तब यार मैं बड़ा क्यूरियस हूं जानने के लिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर है ना सिमिलरली अब ये मत बोलो इट इज अमेजिंग दैट इज अमेजिंग यू आर अमेजिंग बस बोलो भाई तुम अमेजिंग हो है ना सिमिलरली तुम बहुत ब्यूटिफुल हो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ मैं तुम्हारी मौजूदगी को अप्रिशिएट करती हूँ तो तुम पहले सेंटेंस के पीछे नहीं भागो वन थिंग एट अ टाइम शांति से आराम से ठीक है मूविंग ऑन एवरी कुछ और वर्ड देखते हैं यहां पर जैसे कि डिलाइटफुल डिस्कवर एंड ड्रीम अभी मैंने ए से तीन वर्ड्स बी से वर्ड्स सी से वर्ड्स और डी से वर्ड्स आपको सिखाए हैं ठीक है अभी तक आपने ए बी सी देखा है अभी सी डी का भी तीन वर्ड्स देखो अल्फाबेटिकल चलो एक दिन में देखो तीन पांच दो, दो, सात तीन दस दस वर्ड है solid, ना? तो यहाँ पर डिलाइटफुल जो चीज तुम्हें खुशी दे जो चीज तुम्हें जॉय फील कराए जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलकर तुम्हें कैसा फील होता है या फिर कॉमेडी वाली मूवी देखकर तुम्हें कैसा फील होता है या कभी कभी कुछ अच्छा खा के जैसे लगता है आत्मा तृप्त हो गई राइट right? तो वहां पर हम कहते हैं दिस वॉज डिलाइटफुल द मीटिंग वॉज डिलाइटफुल द केक वॉज डिलाइटफुल योर कंपनी इज डिलाइटफुल राइट तो कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें खुशी देती है उसे तुम बोलोगे डिलाइटफुल है ना और मैं बहुत खुश हूं तो वहां पर तुम बोल सकते हो आई एम डिलाइटेड आई एम डिलाइटेड ये आपका वर्ड हो जाएगा डिस्कवर का मतलब होता है खोज यानी ढूंढना किसी चीज को फाइंड आउट कर लेना सो so, यार मुझे अभी अभी पता चला कि आ, वो इलेवेंथ क्लास वाली नेहा तुम्हारी बहन है यार ब्रो आई जस्ट डिस्कवर्ड द नेहा इन क्लास इलेवेंथ इज योर सिस्टर तो जब भी कोई नई चीज का पता चलना कोई नई चीज को ढूंढ निकालना अच्छा भाई मुझे एक नई दुकान मिली है वहां का पिज्जा इतना ज्यादा अच्छा है भाई आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू शॉप द पिज्जा दैट प्लेस इज अमेजिंग सो आपको वर्ड्स को यूज कैसे करना है कहां कहां पर तुम बोलते हो खोजना पाना ढूंढना ये चीज में दिमाग लगाओ ठीक है दूसरी बात ड्रीम ड्रीम क्या है भैया सपना मेरे को एक सपना आया मेरे को एक ड्रीम आया ठीक है तुम डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बनाओ तुम एक एक वर्ड से शुरू करो देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना बेटा कि आप लोग शुरू कर सोचते हो कि जी मैं आज से ही फर्राटेदार बोलने लगूंगा लेकिन असलियत क्या है कि आपको तो एक भी वर्ड बोलने में डर लगता है आप किसी के सामने ये नहीं, नहीं कह सकते कि मुझे ड्रीम आया आपको लगेगा ड्रीम बोलेंगे तो कहीं ये जज ना करें राइट तो पहले तुम बोलो मुझे एक ड्रीम आया ठीक है जब तुम इस लोगों को कंफर्टेबल करो अपने आसपास कि हाँ ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलती है फिर तुम एक दिन बोलोगे आई हैड अ ड्रीम सपना आया ड्रीम कम टू मी नहीं बोलोगे है ना आई हैड अ ड्रीम बोलोगे आई हैड अ ड्रीम बोलोगे ठीक है अच्छा ये तो हो गया नाउन है ना किसी चीज का नाम कि मेरे को एक सपना आया आई हैड अ ड्रीम लेकिन अगर कभी ये बोलना है कि मैंने सपना देखा मैंने uh, मैंने स्विट्जरलैंड का सपना देखा तो कैसे बोलोगे आई इसी का पास्ट फॉर्म क्योंकि ड्रीम वर्ड जो है है वो वर्ब भी होता आई ड्रेम ऑफ स्विट्जरलैंड ठीक है अच्छा अब इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड नहीं है वो दैट इज स्विट्जरलैंड है ना लिंड का साउंड होता है वहां पर स्विट्जरलैंड ठीक है तो आपको धीरे धीरे करके अपने आसपास के लोगों को भी कंफर्टेबल करना है खुद को कंफर्टेबल करना है अब मैंने आपको आज ट्रिक बताई है कि आप शुरुआत कैसे करिए क्योंकि जो मेरे साथ बच्चे जुड़ते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो एक शब्द अंग्रेजी नहीं बोलते और मेरे बैच में जितने बच्चे आए हैं ना मैं सीना ठोक के कह सकती हूँ कि चाहे वो एक शब्द नहीं बोल पाते थे बैच खत्म करते करते तक सारे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अपने मन की बात रख लेते हैं तो वो जो एक डर होता है शाइनेस होती है आ, दूसरों का बहुत पड़ी रहती है ये सब खत्म होता है ठीक है तो आप लोगों को खुद से जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप कैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं सामने वाले को कैसे कंफर्टेबल करा रहे हैं ठीक है पहला वर्ड इज त्याग त्याग को क्या बोलते हैं आप लोग अभी तक मुझे बताते चलिए और अगर नहीं आता तो मुझसे सीखते चलिए त्याग को अंग्रेजी में हम कहते हैं अबैंडन लेकिन त्याग करना को हम कहते हैं एक्चुअली अबैंडन ठीक है तो किसी भी चीज का जब आप त्याग कर देते हैं आई दैट मैंने तो भैया उस जिम्मेदारी का वहीं पे आ, त्याग कर दिया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं नहीं करूंगा वो काम इस तरीके से जब हम बोलते हैं मित्रों तो वो हो जाता है आई अबैंडन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरीके से त्याग करना छोड़ देना इत्यादि के लिए आप अबैंडन का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहां पर प्राप्त करना किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना आप उसे कैसे कहते हैं अंग्रेजी में uh, मैंने अपनी uh, कक्षा में पहली रैंक पहला स्थान प्रथम स्थान प्रथम uh, प्राप्त किया है, किया है है so, अचीव अचीव सो की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा अक्सर बच्चे आई और ई को अगल बगल कर देते हैं थोड़ा सा बदल देते हैं उसकी पोजीशन को तो वहां पर आप लिखिएगा अचीव आई uh, -E -E होता है ठीक है तो जब भी आप कोई चीज़ प्राप्त कर लें अचीव कर लें वहाँ गेन कर लें तो वहाँ पर आप अपना वर्ड यूज़ करिएगा अचीव ठीक है मूविंग ऑन एवरीबडी प्रशंसा करना उसने मेरी बहुत प्रशंसा की एक्स वाई जी की प्रशंसा उदिशा ने की तो जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तारीफ करते हैं तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं टू एडमायर टू अप्रिशिएट टू प्रेज एट्सट्रा यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जैसे आ, हम कहते हैं कि यार मुझे मैं शाहरुख खान बहुत पसंद है मैं हमेशा उसकी तारीफ उनकी तारीफ करती हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी आई ऑलवेज़ एडमायर शाहरुख खान आई ऑलवेज़ एडमायर पब्लुनरूदा आई ऑलवेज एडमायर लेट्स से फ्योर की कुछ लोग होते दिमाग में नाम आ जाता है तो खुशी हो जाती है आई अच्छा आप लोगों को एक ऑथर का नाम बता दूं अगर आप बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी रीडिंग वगैरह शुरू की है तो वो लोग खालिद हुसैनी की किताबें पढ़ लें बड़ी इमोशनल होती हैं जनरली बड़ी हार्ड टचिंग होती हैं और आपको एक पढ़ने में मन लगने लगता है इमोशनल होती हैं इसलिए भी लाभ को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं मित्र तो लाभ को अंग्रेजी में हम कहते हैं बेनिफिट इसमें मेरा क्या फायदा इसमें मेरा क्या बेनिफिट वॉट इज माई बेनिफिट इन दिस हाउ डज दिस बेनिफिट मी तो बेनिफिट का अर्थ यहां पर लाभ फायदा एटसेट्रा ओके okay. uh, रोटी खा लो फायदा करेगी हैव हाँ चपातीज अट तो बेनिफिट यू सो बेनिफिट इज लाभ फायदा एटसेट्रा मूविंग ऑन एवरी वन साहस एक होता है साहस दूसरा होता है साहसी यानी तुम किसी बंदे को ये नहीं कहते कि वो बड़ा साहस है तुम उसे कहते हो बड़ा साहसी है तो साहसी कहना है तो बोलोगे लेकिन साहस उसके पास बहुत साहस है ही हैज ऑफ करेज एवरी वन करेज इज साहस करेजिस इज साहसी मूविंग ऑन एवरीबडी महत्वपूर्ण को आप लोग क्या कहते हैं मुझे मालूम है आप कहते हैं इंपॉर्टेंट आप कहते हैं सिग्निफिकेंट uh, पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं वर्ड क्रिटिकल अरे यार ये तो हमारी पढ़ाई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है मेरी पढ़ाई के लिए uh, ये वाली बुक बड़ी महत्वपूर्ण है दिस बुक इज क्रिटिकल फॉर माई स्टडीज तो यहाँ पर आपने महत्वपूर्ण के लिए वर्ड सीखा है क्रिटिकल राइट से सफलता के लिए या मेहनत के लिए सही uh, सर्कमस्टेंसेस का होना बड़ा जरूरी है या तो आप कह सकते हैं कि द एनवायरमेंट अराउंड अस इज क्रिटिकल फॉर आर सक्सेस बड़ा जरूरी होता है अच्छा एनवायरमेंट है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं अच्छा नहीं होता है तो आप बहुत सारे ट्रॉमा में घिर जाते हैं तो उसका भी एक रेलिवेंस तो होता है ये घोषित करना Uh, मैम ने कल की क्लास में घोषित किया था कि ये दस मिनट की क्लास रोज हुआ करेगी ये सब लोग याद रखो तो घोषित करना को अंग्रेजी में कहते हैं डिक्लेयर करना आई डिक्लेर डे दैट फ्राम टमोरोवरी डे यू विल गेट अ टेन मिनट लेक्चर 5:40 फोर्टी पी एम शार्प ऑन एस इंग्लिश चैनल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बढ़ाना बढ़ाना किसी चीज को बढ़ाना के लिए आप वर्ड यूज करिए इनहेंस लेकिन बढ़ाना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जब तुम किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ा देते हो राइट right? जब तुम किसी चीज के लेट से क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो तुम इंक्रीज यूज करोगे ठीक है एक्सपैंड यूज कर सकते हो लेकिन जब तुम किसी चीज की क्वालिटी में बदलाव ले आते हो उसको सुधार देते हो एक तरह से तो वहां पर आपको वर्ड यूज करना चाहिए एनहेंस एवरी वन हाउ डू प्रनाउंस इट इनहस नहीं एनहेंस ठीक है ओके मूविंग ऑन अपेक्षा करना अपेक्षा का मतलब टू एक्सपेक्ट और अपेक्षा करना इज एक्सपेक्ट बेसिकली अपेक्षा इज एक्सपेक्टेशन्स आपकी मुझसे ये जो अपेक्षाएं हैं ये मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी आपकी जो मुझसे ये एक्सपेक्टेशन्स हैं ये मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगी तो अपेक्षा हिंदी किस चीज़ की होती है एक्सपेक्टेशन की ठीक है उम्मीद बेसिकली नेक्स्ट देखिए पहचानना और पहचान पहचानना क्या है बेटा एक एक्शन है Uh, पहचानने की कोशिश करो कि ये कौन सा वर्ड है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है पहचानो पहचानने की कोशिश करो इज आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ठीक है और अरे ये रुमाल तो उसकी पहचान है दिस हैंक चिफ इज हर आइडेंटिटी आइडेंटिटी इज़ पहचान पहचान ना इज़ आइडेंटिफाई एक वर्ब है और एक नाउन है ये चीज़ें समझिए थोड़ा सा और उसके बाद ही वर्ड्स को रटिए प्रभावशाली क्या है क्या ये एक वर्ब है नाउन है नहीं ये एक एडजेक्टिव है उसकी बातें बड़ी प्रभावशाली होती हैं उसके पिताजी तो बड़े प्रभावशाली हैं प्रभावशाली होने का क्या मतलब है मतलब जिसका चार लोगों पे चीजों पे थोड़ा सा अधिकार होता है पावर होता है कंट्रोल होता है जिसकी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं तो प्रभावशाली लोग हो सकते हैं कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं देश हो सकते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इंप्रेसिव या फिर इंफ्लुएंश क्या कहते हैं Impressive और इन्फ्लुएंशियल देखिए जब आप किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावशाली कहना चाहते हैं उनके पिताजी की तो बड़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो आप कहिए इंप्रेसिव या फिर इन्फ्लुएंशियल इंफ्लुएंशियल उसको कहिए जिसकी दूर दूर तक पहुंच हो जिसकी बातें लोग मानते हो जिसका नाम होता है उसे हम कहते हैं एन इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ठीक है इंप्रेसिव जो प्रभावशाली होता है अगर सिर्फ प्रभाव वर्ड है तो क्या होगी अंग्रेजी इन्फ्लुएंस या फिर इंप्रेशन इन्फ्लुएंस या फिर इंप्रेशन दोनों लिख लीजिएगा ठीक है तुम्हारे ऊपर तो किसी की बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता है यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन तुम किसी की बातों को सुनते नहीं हो ठीक है तुम तुम्हें पर फर्क ही नहीं पड़ता है करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं गाइज बनाए रखना बनाए रखना क्या बनाए रखना भैया मेंटेन करके रखना तो अपनी सेहत को बनाए रखो मेंटेन योर हेल्थ है ना उसके साथ संबंध बनाए रखो मेंटेन योर रिलेशंस विद हिम उसके uh, सामने एक अच्छी छवि बनाए रखो मेंटेन योर रेप्यूटेशन इन फ्रंट ऑफ हर है ना तो जब आप बनाए रखने की बात करते हैं तो कहीं ना आपस में सौहार्द बनाए रखो मेंटेन कॉर्डियालिटी ईच अदर सो मेंटेन इज बनाए रखो ठीक है जितने भी मेरे भाई बहन दोस्त बंधु यहाँ पर क्लासेस देख रहे हैं देखो तुम लोगों के लिए बहुत जल्द कुछ बहुत बेहतरीन हम लेकर के आने वाले हैं दो लाइफ चेंजिंग चीजें हैं एक चीज उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं, हो नहीं, रही है। तुम घर बैठे कहीं नहीं भटकना पड़ेगा दूसरी नहीं मिल रही है, हमने सब करके देख लिया है। तो ये जो क्लासेस होती हैं ये सब तक पहुंचा दिया करो देखो किससे कब कहा किसकी मदद हो जाए कुछ पता नहीं होता है गाइज सो बी केयरफुल एंड शेयर योर सेशन अवलोकन करना वॉट इज अवलोकन ध्यान से देखना गौर फरमाना जो समझ में आता है ना किसी चीज को ध्यान से देखना थोड़ा विचार विमर्श टाइप ऑफ करना है नजर रखना है ना किसी चीज को देखना और उसके बारे में विचार करना दैट इज ऑब्जर्व अवलोकन तो तुमने भी आज पहली बार ही सुना होगा मोस्टली हमने दूसरी तीसरी बार सुना है तो खैर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो चीजों को देखा करो समझा करो और फिर टिप्पणी करो करेक्ट आगे देखते हैं गाइस भाग लेना टू रन अवे टू एस्केप नहीं भाग लेना प्रतियोगिता में भाग लेना एग्जामी में भाग लेना टू पार्टिसिपेट इज द राइट वर्ड मना लो उसे मना लो या किसी को भी माता जी को मना लो आज बाहर डिनर पे चलते हैं परस्युएट योर मदर टू गो आउट फॉर डिनर टू नाइट राइट बच्चों को मना लो कि वो पढ़ाई करें परस्यूएट द चिल्ड्रन टू स्टडी तो अपनी बात मनवाना बेसिकली अगर कोई नाराज है <coughs> नाराज को मनाना तो वहां पर आप वर्ड यूज पैसिफाई ठीक है नेक्स्ट देखते हैं गाइस द नेक्स्ट वर्ड इज भविष्यवाणी करना भविष्यवाणी करना इज टू प्रेडिक्ट किसी भी चीज जो अभी हुई नहीं है तुम अभी से कह रहे हो नहीं 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 कल तो इंडिया जीतेगी सो so यू आर प्रेडिक्टिंग टू प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना जो हुआ नहीं है भविष्य में होगा उसके बारे में कॉमेंट करना नेक्स्ट पहचानना, पहचानना तो दशा? अच्छा ठीक है ओ मैंने पहचान लिया आई रेकग्नाइज आई आइडेंटिफाइड हर एटसेट्रा मैंने तो उसको दूर से देख के पहचान लिया था आई रेकग्नाइज हर आई आइडेंटिफाइड हर तो ठीक है दोनों काम भर के एक होते हैं नेक्स्ट आवश्यक होना कोई चीज बहुत जरूरी होना आवश्यक होना जिसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते हैं रिक्वायर रिक्वायर्ड तो हम फिर भी समझ सकते थे आवश्यक होना तो अगर को, कोई ऐसी चीज है जिसके बिना यह काम हो ही नहीं सकता या कोई काम हो ही नहीं सकता उसके बिना तो वहां पर आप एक वर्ड लिखिए मैंडेटरी ठीक है ज एब्सिल्यूटली मैंडेटरी ये तो बिल्कुल अनिवार्य है आवश्यक है एट्सेट्रा अनिवार्य इज द राइट टर्म नेक्स्ट महत्वपूर्ण मैं आपको पढ़ा चुकी हूं क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अनादर टर्म इज सिग्निफिकेंट सफल होना किसी कार्य में किसी टास्क में अगर आप सफल हो गए हैं तो आप कहते हैं ही सक्सीडेड और शी हैज सक्सीडेड एट्सेट्रा नेक्स्ट इज सुझाव देना कि अंग्रेजी होती है टू सजेस्ट मैम मैं आपको एक आइडिया देना चाहता

एनी काइंड ऑफ रूमर इज ट्रांसमिटेड एट द फास्टेस्ट स्पीड कोई भी अफवाह जो होती है वो सच्ची खबर से ज्यादा जल्दी कहीं पहुंचती है आगे देखते हैं सत्यापित करना अब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे गांव की आंटियां चुगली करती हैं तुम मेरी बात मान तो नहीं लोगे ना तुम उसको पहले सत्यापित करोगे कि ये सही बोल रही है कि गलत बोल रही है तो यू विल हैडेट बाई योर सेल्फ आप पहले जाकर चेक करेंगे आंटी ने बात सुनी इन्होंने किसी को बताया हाँ सबको बताया पूरे गाँव को बता दिया वैलिडेट हो गया सत्यापित हो गया किसी चीज की सत्यता को स्थापित करने को कहा जाता है वैलिडेट uh, करना गवाह को इंग्लिश इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप कैसा फील कर रहे हैं फीलिंग्स कई प्रकार की होती है लेकिन हमने उन्हें ब्रॉडली डिवाइड किया है हैप्पीनेस सैडनेस और मिक्स्ड फीलिंग्स में यानी कि आप खुश हैं तो आप कैसे फ्रेजेस यूज करिए ट्रस्ट मी गाइस मैं आप लोगों को दिन के बस दस वर्ड सिखाती हूँ लेकिन अगर आप वही दस को रिवाइज कर करके रिपीट कर करके कर कर यूज करना शुरू करेंगे आपको खुद अपनी वोकेबलरी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा लेकिन बस एक ही काम होता है कि आप उसको रिवाइज कर करके रिपीट कर करके कर यूज करते रहो ठीक है सबसे पहले यहां पर देखते हैं हमारा पहला फ्रेज जो कि है ओवर द मून बहुत खुश ये तो एक कॉमन सा भी हो चुका है आजकल जब भी भी आप बहुत ज्यादा खुश फील कर रहे हैं वैन यू आर वेरी हैप्पी आपको कहना चाहिए आई एम ओवर द मून ही और शी इज ओवर द मून आफ्टर द प्रमोशन ऑफ अ ब्रदर शी वॉज ओवर द मून यानी कि जब भी, भी आपको किसी को डिस्क्राइब करना है कि वो बहुत ज्यादा खुश थी वो बहुत ज्यादा खुश था मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तो हम यूज कर सकते हैं अपना फ्रेज ओवर द मून अब इसमें कई बार गलती करते हैं लोग ओवर द मून की जगह ओवर मून बोलने लगते हैं वो गलत हो जाता है phrase का मतलब ही ये है कि आप उसमें से एक भी वर्ड नहीं हटा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं गाइस ऑन क्लाउड 9 जब हम लोग बहुत ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन का भाव एक एंजॉयमेंट का भाव फील करते हैं ना कि चलो भैया आज फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए और अच्छे से भी हुए हैं यानी एक सेटिस्फैक्शन और खुशी साथ में जब होती है तब ज्यादातर हम ये कहते हैं कि भाई अब सारी चिंताएं मेरे पीछे हैं और मैं बहुत आगे निकल गई हूँ तो हम कहते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन यानि परेशानियों से और बाकी चीजों से हम ऊपर हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन टूडे बिकॉज माई एग्जाम्स है फाइनली एंडेड यानी कि फाइनली हमारी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं इसलिए अब हम बहुत खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं क्योंकि अच्छी भी हुई है इन हाई स्पिरिट्स यार क्या होता है जब हम बड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं बहुत एनर्जी होती है उदिशा तो ये कहना होता है ना कि आ, कोई भी काम करके करने के लिए करने के बाद मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ा हुआ है तो वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं और हम कहते हैं इन हाई स्पिरिट्स ठीक है जब भी, भी Uh, तुम्हें किसी को मोटिवेट करना है या तुम्हें खुद को बताना है खुद के बारे में बताना है कि मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ इस वक्त तो आप कह सकते हैं कि आई एम इन हाई स्पिरिट्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा फ्रेज़ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस है बहुत ज़्यादा परेशान है होपलेस हो रखा है आजकल तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही और शी इज़ डाउन इन द डम्प्स यानी कि यार आजकल तो वो बहुत परेशान है बहुत डिमोटिवेटेड है बहुत दुखी है एट्सेट्रा सो so, जब ऐसे कभी कभी अपने दोस्तों के घर जाते हैं देखते हैं घर बिखरा हुआ है और सब कुछ अस्त व्यस्त लग रहा है वो भी बहुत दुखी लग रहा है तो पूछते हैं वाई आर यू डाउन इन द डम्प्स फिर कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को ही खराब करना चाहते हैं नो अंधेरे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं तो हम उन्हें भी पूछते हैं उन्हें भी बोलते हैं डोंट थ्रो योर लाइफ डाउन इन द डम्पस अंधेरे की तरफ निराशा की तरफ अपनी जिंदगी को मत धकेलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर्वोच्च आनंद में अगेन जैसे हम कहते हैं ना ऑन क्लाउड नाइन वैसे ही हम कहते हैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड जब हम बाकी लोगों की तुलना में अपने संगी साथियों की तुलना में बेहतर महसूस करते हैं बेटर महसूस करते हैं तो हम कहते हैं कि आई एम ऑन टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड आई केम फर्स्ट इन माई क्लास आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास इन दया फोर आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड अच्छा कभी कभी ये भी कोई पूछता है और कैसे हो तो आप हमेशा कहते हैं ना आई एम फाइन वहाँ भी आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ बहुत आनंदित हूँ बहुत खुश हूँ नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं अंडर द वेदर अगर कभी मन ठीक नहीं लग रहा है यू you नो know? कभी कभी होता नहीं धक धक बड़ी रहती है और चिंता सी महसूस हो रही है और चिंता के कारण ये लगने लगता है कि हम बीमार से हैं तो वहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं आई एम अंडर द वेदर यानी कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ मैं बिल्कुल नॉर्मल यूजल नहीं फील कर रही हूँ जो कुछ अलग है आज कुछ गड़बड़ है आज ठीक नहीं लग रहा है तो वहां पर भी आप अपना फ्रेज आई एम अंडर द वेदर यूज कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं फुल ऑफ बीन्स Of beans. छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जिनमें बड़ी एनर्जी होती है।, है ना कोई बिल्कुल भाग दौड़ रहा है हंस रहा है खेल रहा है उछल कूद कर रहा है तो कह सकते हैं वाई इज ही सो फुल ऑफ बीन्स यानी आज ये इतना उत्साहित क्यों है इतना एनर्जेटिक क्यों है वहां पर आप यूज करिए फ्रेज फुल ऑफ बीन्स आफ्टर मीटिंग माई मदर आई आई फील आई एम ऑलवेज फुल ऑफ बीन्स यानी अपनी माता जी से मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर और ऊर्जा आ गई है और एनर्जी आ गई है तो उसके लिए उत्साह के लिए एनर्जी के लिए वी यूज द फ्रेज फुल ऑफ बीन्स माई यंग ब्रदर और माई नेफ्तीलवेज फुल ऑफ बीन्स वो दोनों हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं भाई पूरा घर सर पर उठा रखा है दोनों ने नेक्स्ट लाइक अ फिश और वॉटर अगर आप एक मछली को पानी से निकाल दें तो वो कैसे बिहेव करती है बिल्कुल असहाय यानी कि जैसे कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है तड़प रही है है ना तो आ, आजकल की जनता का फोन अगर दो मिनट के लिए छीन लो अगर अपने भाई बहन किसी का फोन दो मिनट के लिए छीन लो तो कैसे हो जाता है ऐसे नहीं करोगे तुम ये वो ये वो राइट क्या दिखाता है ये चीज कि सामने वाला इंसान जो है वो बहुत ज्यादा असमर्थ हो गया है बिल्कुल घबरा सा गया है है ना तो वो जो घबरा जाना और बिल्कुल होपलेस फील करते हैं जब तो वहां पे कहा कहा जा सकता है ही और शी वॉज बिहेविंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी वो तो बिल्कुल परेशान हो गया वो तो बिल्कुल दुखी हो गया इस तरीके की स्थिति जब आपको लगता है कि एक इंसान घबरा गया है बहुत ज़्यादा और होपलेस फील कर रहा है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर आप कह सकते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ठीक है नेक्स्ट इज वॉकिंग ऑन एयर कभी कभी ऐसा होता है जैसे जिस दिन आपकी सैलरी आती है या जिस दिन पापा खुश होके के पाँच हज़ार की जगह पचपन सौ रुपये दे देते हैं पॉकेट मनी तो कैसा लगता है कि यार आज तो बस दुनिया मेरी है हम राजा हैं तो वो जो राजा वाली एक भावना होती है एक एक्सप्रेशन होता है उस केस में हम लोग कहते हैं आई एम वॉकिंग ऑन एयर टुडे यानी आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे तो वहाँ पर ये फ्रेज़ बिल्कुल सूटेबल हो जाता है ना जब भी तुम्हें लगे कि यार आज जिंदगी बहुत सही लग रही है कोई चिंता नहीं है कोई टेंशन नहीं आ रही है बस आराम से चिल कर रहे हैं तो कहिए आई एम वॉकिंग ऑन ए टुडे यानी वेरी हैप्पी वेरी रिलैक्स्ड नॉट स्ट्रेस्ड एट्सट्रा ठीक है एंड देन वी हैव द लास्ट वन मिक्स्ड फीलिंग्स है ना किसी चीज़ को लेकर के खुश भी हूँ पर थोड़ी घबराहट भी हो रही है समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली exactly कितनी खुश हूँ कितना घबरा रही हूँ बट हाँ कुछ फील हो रहा है मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपको पता है कि आपका इंटरव्यू हुआ था आपको लग रहा है कि यार हो जाएगा सिलेक्शन मुझे लग रहा है पर एक धक धक लगी रहती है ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो वो जो धक धक वाली फीलिंग होती है ना खुश साथ में चिंता दुख साथ में खुशी तो ये जो मिक्स्ड वाला स्टेट होता है वहां पर आप कह सकते हैं

पुराना चैनल छोड़ छोड़ के ये चैनल शुरू किया था तो मुझे थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि या तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा या तो ये शायद मेरे लिए अपोजिट हो जाएगा लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया राइट उस टाइम पर मेरे दिमाग में दो ख्याल थे अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है ये स्टेट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स है आई हैव

अभी जो पिछले कुछ वर्ड्स मैंने आपको सिखाए थे वो ऐसे वर्ड्स थे जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको 10 सॉलिड वर्ड्स दिए थे जिनमें से पांच उठा करके आप अपना इंट्रोडक्शन फॉर्म कर सकते हैं फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपको कभी भी अपनी पसंद और नापसंद यानी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं जितने भी दोस्त मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं छोटा सा आपका सेशन है कॉपी किताब लेके कॉपी कॉपी किताब नहीं कलम लेके बैठिएगा ताकि आप वर्ड्स को नोट डाउन कर लें और आज से ही यूज करना शुरू कर दें एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या चीजें पसंद हैं उन्हें कैसे हम बता सकते हैं द फर्स्ट वर्ड इज इंजॉय जैसे हमें कहना होता है कि मुझे किताब पढ़ना पसंद है हम एक ही वर्ड जानते हैं आई लाइक रीडिंग बुक्स मुझे स्विमिंग करना पसंद है आई लाइक स्विमिंग मुझे जिम जाना पसंद है आई लाइक वर्किंग आउट एक ही तरह से हम बार बार कह रहे हैं लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जेन्युनली एंजॉय करते हैं ना तो लाइक like हटा करके वहाँ पर अपना वर्ड इन्जॉय क्यों नहीं यूज करते से आई इन्जॉय रीडिंग बुक्स I enjoy going to the gym. I enjoy swimming. So instead of saying like, like every time, say the word enjoy. The next word that we have is prefer. जब आपको बताना हो कि आप किसी एक चीज को चुनते हैं बाकी चीज़ों की तुलना में यानी कि बाहर जाने में जिम जाने में स्विमिंग के लिए जाने में और किताब पढ़ने में मैं किताब पढ़ने को चुनूँगी ई प्रीफर रीडिंग बुक्स ओवर एनी थिंग एल्स यानि किसी भी और चीज़ के ऊपर मैं किसको चुनूँगी रीडिंग बुक्स को सो आई प्रफ़र रीडिंग बुक्स ओवर एनी थिंग आपने अपनी पसंद को जाहिर किया है कि बाकी चीज़ों से ज़्यादा मैं किसे प्रेफर कर रही हूँ चुन रही हूँ वो आपने बस बता दिया है नेक्स्ट आपका वर्ड है अप्रिशिएट सराहना करना मैं पसंद करती हूँ मैं सराहना करती हूँ आई अप्रिशिएट काइंड पीपल आई अप्रिशिएट ब्रेव पीपल आई अप्रिशिएट पीपल हु आर अवेयर यानी कि जिनको जानकारी है चीज़ों की उन्हें मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ यानी कि अगर मैं कहती हूँ आई लाइक अवेयर पीपल आई लाइक मचोर पीपल आई लाइक फनी पीपल हर जगह लाइक को कहने की जगह आई अप्रिशिएट फनी पीपल यानी फनी लोगों की मैं सराहना करती हूँ भाई उनके रहने से माहौल अच्छा रहता है सो फनी पीपल आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड है ना कोई चीज़ को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक लाइक या बार बार एक ही वर्ड रिपीट करने की जगह आप अप्रिशिएट वर्ड को यूज करिए नेक्स्ट आपका वर्ड है रेलिश भरपूर आनंद लेना किसी चीज़ का तो अगर मैं ये बोलूं कि जो घर पे मैं समय बिताती हूं अपने परिवार के साथ वहां मैं भरपूर आनंद उठाती हूं उस उस जगह का उस वक्त का सो आई रेलिश माई टाइम एट होम यानी जो मैं अपने परिवार के साथ घर पर वक्त बिताती हूँ उसका मैं भरपूर आनंद लेती हूं तो मैं कैसे कहूंगी आई रेलिश माई टाइम एट होम या फिर अगर मुझे कहना है कि मैं घर का बना खाना मजे से खाती हूँ बहुत इंजॉयमेंट के साथ खाती हूँ तो मैं कैसे कहूँगी आई रेलिश होम कुकड मील्स आई रेलिश होम कुक्ड मील्स भरपूर आनंद उठाना भरपूर मजे लेना उसको हम कहते हैं रैलिश ठीक okay. है ओके फैंसी आपका वर्ड है किसी चीज के लिए स्ट्रोंग डिजायर महसूस करना स्ट्रोंग इच्छा महसूस करना जैसे कभी कभी मन करता है कि यार आज बाहर कहीं महंगी जगह जाकर के खाना करते हैं खाना खाते हैं तो रात का खाना बाहर खाते हैं तो कैसे बोलेंगे आई फैंसी एन एक्सपेंसिव डिनर टू नाइट यानी कि आज मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं बाहर किसी महंगी जगह रात का खाना खाऊं तो आई फैंसी एन एक्सपेंसिव डिनर टुडे तो ये हो गया आपके लिए पांच ऐसे शब्दों का एक लिस्ट जो कि आप अपने पसंद को जाहिर करने के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं डिसलाइक्स के बारे में हम कैसे बात करेंगे ठीक है जो चीजें आपको नहीं पसंद है हमेशा हम क्या कहते हैं आई डिसलाइक या फिर आई हेट लेकिन इन से ऊपर उठ के भी हमारे पास वर्ड्स हैं जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं मतलब यू के नॉट जस्ट स्टैंड इट बर्दाश्त नहीं कर सकते हो उस चीज को राइट तो आप वहां पर डिसलाइक और हेट ये सब हटा करके बोलो आई डिटेस्ट आई डिटेस्ट डिसऑनेस्ट पीपल मुझे बेईमान लोगों से सख्त नफरत है बहुत ज्यादा परेशानी है अंग्रेजी में क्या कहना है आपको डिटेस्ट कहना है आई डिटेस्ट डिसऑनेस्ट पीपल द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पाइज ये भावना होना कि कोई व्यक्ति या वस्तु बिल्कुल ही बिना किसी मूल्य की है बेकार है या बहुत छोटी है यूजलेस है है ना किसी को अपने से छोटा समझना किसी चीज को वर्थलेस समझना तो वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं डिस्पाइज यू नो आई डिस्पाइज दोज पीपल कम विद विदाल जजमेंट्स ऑफ अदर्स यानी कि मैं उन लोगों को बिल्कुल ही यूजलेस समझती हूँ वर्थलेस समझती हूँ जो बाकी लोगों के लिए एक खोखला जजमेंट लेकर के घूम रहे हैं यानी किसी को भी देख करके हैं ये तो कितनी बुरी है हैं ये तो कितना बुरा है हमेशा किसी के लिए किसी को जजमेंट लेकर के घूमने वाले लोग जो होते हैं उन्हें मैं बहुत ही यूजलेस समझती हूँ अगर आप किसी को किसी वस्तु को यूजलेस समझते हो तो वहां पर आप अपना वर्ड डिस्पाइज जरूर यूज करिए लोथ। आप जो हेट वर्ड कहते हैं उसका सगा भाई है ये वर्ड लोध प्रोनाउंसिएशन क्या है लोध ठीक है कैसे कहेंगे घृणा करना आई लोध क्रीपी क्रॉली क्रीचर्स ये जो आपके घिसट के चलने वाले क्रीचर्स होते हैं बारिश में जो ज्यादा देखने को मिलते हैं उनसे मुझे बहुत नफरत है डर लगता है ज्यादा लेकिन चलो नफरत से काम चला लो रिपेल किसी देखो जब तुम किसी चीज को देख करके उसकी तरफ खिंचे चले जाते हो तो कहते हैं कि हम उसकी तरफ आकर्षित हुए जब किसी चीज को देखकर तुम बिल्कुल घूम के भाग जाते हो तो उसे कहते हैं कि विकर्षित हुए इन हिंदी राइट इन इंग्लिश हाउ डू यू से रिपेल आई वॉज रिपेल्ड बाय द बैड ओडर कमिंग फ्रॉम दैट कार उस गाड़ी से जो गंदी बदबू आ रही थी उससे मैं रिपेल हो गई थी विकर्षित हो गई थी अगर आपको कभी भी कहना है कि आपको कोई चीज़ बहुत नापसंद है तो आप वहां पर रिपेल वर्ड को यूज करिए कि भाई वो चीज़ मुझे इतनी नापसंद है कि मैं विकर्षित हो जाती हूँ वहाँ से उल्टा घूम के चली जाती हूं आई एम रिपेल्ड बाय लाउड स्पीकर मतलब दोज पीपल हु स्पीक वेरी लाउडली उन्हें भी लाउड स्पीकर्स कहते हैं या आई एम रिपेल्ड बाय लायर्स मैं झूठे लोगों से विकर्षित हो जाती हूँ यूज दीज वर्ड्स देखो कितने अच्छे हैं तुमको सिखा रहे हैं लेकिन तुम सीख नहीं रहे हो बताओ आई डिटेस्ट माई नेबर इतनी नफरत है नेबर यार लव दाई नेबर मैन हमारे स्कूल में सिखाया था जगदीश गांधी सर ने लव दाई नेबर पड़ोसियों से प्रेम करिए तभी तो एक अच्छा समाज बनता है अच्छी बात सिखाई थी जगदीश सर ने एनी वे नेक्स्ट वर्ड है डिसअप्रूव किसी भी चीज को अस्वीकृत करना देखो हमें नफरत नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे देखो हम तुम दूसरों से लड़ते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम ये व्यवहार नहीं स्वीकार करेंगे आई डिसअप्रूव दिस बिहेवियर तो जब तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत नहीं करते हो बट हाँ तुम उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर तुम यूज करो अपना वर्ड डिसअप्रूव ये दस वर्ड मैंने सिखाए हैं अब आज इनको बोलना

और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आज हम यहां पर जो बहुत कॉमनली कुछ बातें हम बोलते हैं बहुत ही बेसिक स्टाइल से या काफी टाइम से वैसे बोलते आ रहे हैं उसकी जगह कुछ नया सीखने वाले हैं एक्चुअली ये जरूर हो सकता है कि आप जो यहां पर सीखेंगे ये आप इनफॉर्मली ज्यादा यूज करिएगा ठीक है फॉर्मल सिचुएशन के लिए इसमें फ्रेजेस कुछ ऐसे हैं जो बहुत सटीक नहीं है ठीक तो है तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट फ्रेज पहला फ्रेज है इट इज नॉट डिफिकल्ट कोई भी चीज जब कठिन नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं इट इज नॉट डिफिकल्ट लेकिन मैं अक्सर जो यूज करती हूं फ्रेज वो होता है इट्स नॉट रॉकेट साइंस यानी कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई बहुत कठिन बात नहीं है तो जब भी आप ये कहना चाहते हो किसी को कि भाई सुनो ये इतनी बड़ी बात नहीं है दिस इज नो रॉकेट साइंस दिस इज नॉट रॉकेट साइंस नो रॉकेट साइंस दोनों सही है तो आप कॉमनली जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोलते हो उसकी जगह आप रॉकेट साइंस वर्ड को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं इट्स ईजी अब इसका तो आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूं ठीक है ओके रवि कुमार बाय द नेम ऑफ अज्जू इतना सीरियस नहीं होना है बट बेटा आप लोग जब क्लास में आते हो तो मुझे ये पता है कि आपका वो वन आर और आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आपका फ्यूचर ये तीनों चीजों को बहुत सीरियसली लेकर के चलना है और आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है तो इस वजह से मैंने आपको आज बोला कि आप रिवाइज करो ताकि कल आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा जब तक चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे तब तक हम ऐसे ही मजाक मजाक में करते रहेंगे ठीक है लेकिन आप परेशान मत हो कोई टेंशन नहीं है आई एम श्योर कल आपका इंप्रूवमेंट मुझे देखने को जरूर मिलेगा ठीक है थैंक यू फॉर कमिंग टू यूट्यूब इट्स ईजी जो हमारा फ्रेज है उसकी जगह एक बहुत कॉमन सा फ्रेज होता है जो कि तुम लोग को मैं कई बार पढ़ा चुकी हूं इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक यार ये तो बड़ी आसान सी बात है यार ये तो बच्चों के बाएं हाथ का खेल है यार मेरे इट्स अ पीस ऑफ केक जब भी तुम्हें कोई चीज बहुत आसान लगती है बहुत ईजी लगती है तुम्हें क्या करना है वहां पर बस ये फ्रेज यूज करना है दिस इज अ पीस ऑफ केक इट्स अ पीस ऑफ केक यूज करना है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज आई एम वेरी हैप्पी और इसका भी हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है आई एम ओवर द मून आई एम ऑन क्लाउड नाइन आई एम एक्सीलरेटेड आई एम यू इस तरीके के हमारे पास बहुत से फ्रेजेस होते हैं लेकिन ये वाला बहुत कॉमन है जब तुम बहुत खुश होना बहुत ज्यादा खुश होना तो वहां पर तुम अपना ये फ्रेज यूज कर सकते हो आई एम ओवर द मून ठीक है आई एम लिसनिंग आई एम लिसनिंग अरे मैं पूरी ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूं है ना कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को डांटती हूं तुम लोग बात नहीं सुनते हो मैं समझा रही हूं सुनो इधर तो तुम लोग वहां पर बोलते हो नहीं नहीं मैम आई एम लिसनिंग लेकिन आगे से बोल सकते हैं आई एम ऑल यर्स इसका अर्थ होता है कि मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी बातों पर है आई एम ऑल इर्स इसका एक और अर्थ हो सकता है कि मुझे तुम्हारी बात सुनने में बहुत इंटरेस्ट है दिलचस्पी है सो so, आप बोल सकते हैं आई आई एम एम ऑल ऑल के बाद है हमारे पास लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट की जगह सिंपल सा रिप्लेसमेंट है लेट्स केक ऑफ यानी कि चलो शुरू करते हैं किसी काम को तो वहां पर लेट्स स्टार्ट की जगह अब आप बोल सकते हैं लेट्स केक ऑफ यानी कि चलो शुरू करते हैं तो स्टार्ट का रिप्लेसमेंट किक ऑफ हो गया नेक्स्ट फ्रेज है टेक्स्ट मी वंस यू गेट देयर वहां पहुंच जाना तो हमें मैसेज कर देना वहां पहुंच जाना घर पहुंच जाना मैसेज कर देना के लिए हिट मी यू गेट देयर मी अप का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे मार देना हिट मी अप का मतलब होता है कि हमें जानकारी दे देना हमें अवेयर करा देना हमें बता देना सो हिट मी अप इज बेसिकली लेट मी नो हिट मी आप कब यूज कर सकते हैं आप जब भी भी आप सामने वाले को ये कहना चाहते हैं कि हमें बता देना मी नो की जगह आप हिट मी अप बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम अपने फ्रेजेस यहां पर देखते हैं आई डोंट नो आई डोंट नो को हम कैसे अच्छा आ, थोड़ा सा एनिमेशन में गड़बड़ हो गया था मुझे पता था आई off, मेरी नींद लग गई थी या मेरी झपकी लग गई थी मेरी आंख लग गई थी तो इस फ्रेज की जगह पर हम लोग कहते हैं आई नॉडेड ऑफ nodded ऑफ off. Nodded off का मतलब क्या होता है कि भाई नींद लग गई थी हम तो सो गए थे झपकी आ गई थी या फिर आई डोज ऑफ डोज ऑफ और नॉडेड ऑफ दोनों ही आप यूज कर सकते हैं You are so lucky. तुम कितने भाग्यशाली हो अंग्रेजी में इसका रिप्लेसमेंट देखिए है जैमी यू आर सो जैमी क्या किस्मती बंदे हो यार यू आर सो जैमी तो ये भी आप अक्सर यूज कर सकते हैं जो आप घर पे दिन भर बोलते रहते हैं सबको यू आर लकी अरे लकी हो लकी हो उसी जगह यू आर सो जैमी बोलो आई डोंट नो का भी रिप्लेसमेंट हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा आ, आ, क्या तुम्हें याद है कल मैंने क्या पढ़ाया था अब तुम्हें कहना नहीं मैम मुझे तो याद नहीं आ रहा है मुझे तो ख्याल नहीं पड़ रहा है मुझे तो नहीं पता है तो जब भी आपको यह कहना होता है कि मुझे ख्याल नहीं पड़ रहा है या मुझे याद नहीं आ रहा है या मुझे पता नहीं है इस भाव में है ना कि अभी याद नहीं आ रहा है या अभी हमको पता नहीं है इस सेंस में जब आप बोलना चाहते हो तो आप कहते हो बीट्स मी मैम बीट्स मी मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है तो अभी मैं थोड़ा सा हार मान रहा हूं यहां पे तो ये वो कॉन्टेक्स्ट होता है जब कोई चीज तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कोई चीज का तुम वापस दिमाग में नहीं ले आ पा रहे हो वहां पर तुम बोल सकते हो बीच में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अमीना जो तुम ये नाम बदल के क्लास में आई हो चलो अमीना ओके आई हैव नो मनी आई हैव नो मनी को अंग्रेजी में रिप्लेस करते हैं आई एम ब्रोक से भाई देखो हम कंगाल हो चुके हैं भैया हमारी सारी सैलरी खत्म हो गई है अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं तो अंग्रेजी में उसी स्थिति को कहा जाता है आई एम ब्रो बिल्कुल जब कंगाली हो जाती है ना तो वहां पर हम कहते हैं आई एम ब्रोक ठीक है broke. ब्रोक का मतलब टूटा हुआ भी होता है बट आई एम ब्रोक जब बोलोगे तो इसका अर्थ होगा कि भाई हम कंगाल हो गए हैं ठीक है बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक की अंग्रेजी हो जाती है देखो अंग्रेजी हो जाती है। बेस्ट ऑफ लक हम किसी को तब कहते हैं जब हम उसको अच्छी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो भविष्य में अच्छा करे आगे अच्छा हो अब जो भी रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा आए उसका परफॉर्मेंस अच्छा जाए है ना तो जब भी हम किसी को ऐसे विश कर रहे होते हैं तो उसमें हम उसकी जगह बोल सकते हैं इनफॉर्मली ब्रेक अ लेग माई फ्रेंड ब्रेक अ लेग का मतलब हो जाता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करके आना बहुत अच्छे से काम करके आना तो जब भी तुम किसी को बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट बोलने वाले हो उसकी जगह तुम बोल सकते हो ब्रेक अ लेग डू वी हैव एनीथिंग एल्स यस आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आता ये आप कैसे बोल सकते हैं आई डोंट गेट इट है ना uh, मुझे मैथ्स समझ नहीं आती यार आई डोंट गेट मैथ्स आई डोंट गेट मैथ्स I don't get फ्रेंच मुझे फ्रेंच समझ नहीं आती है आई डोंट फिजिक्स मुझे physics समझ नहीं आती है ये बंदी मुझे समझ नहीं आती है आई डोंट her मैन यानी ये समझ में नहीं आती है मुझे कभी भी तो आप कैसे यूज करोगे कहां पर इट लगेगा कहां पर किसी का नाम लगेगा इसका भी थोड़ा ख्याल रखना बट सारे फ्रेजेस बेसिक से ऊपर उठ करके हैं और थोड़े नए हैं आपके लिए तो आप इन्हें अच्छे से यूज करो कीप इट secret, यार ये बात छुपा करके रखना अंग्रेजी में कहते हैं कीप इट अंडर रैप्स अभी मैंने किसी को बताया नहीं है तुम भी अभी सीक्रेट रखना कीप इट अंडर रैप्स बोलते हैं अब जितने भी फ्रेजेस यहां पर सिखा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस तो शुरू कर ही दो सो द वेरी फर्स्ट वर्ड टेकन इज दिस अब क्या होता है जब भी मैं अपने बैच में अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ इस वर्ड के बहुत सारे डिस्टोर्टेड उच्चारण प्रनासीेशन मैं सुनती हूँ यहां पर आपके सामने वर्ड लिखा है कोई इसको इंस्टेड बोल लेता है तो बहुत सारे लोग इसको इंस्टेड 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 इस तरीके से बोलते हैं सबसे पहले इसका अर्थ समझिए के बजाय जब भी हमें के बजाय यानी कि चॉकलेट के बजाय खजूर खा लो Eat dates instead of chocolates. तो के के उच्चारण पर ध्यान दिया आपने नहीं दिया इसलिए यहां पर इसे लिख करके भी लाए हैं अब इसे इंस्टेड या instead या इंस्टेड बोलना बंद करिए एंड इसको आज से ही और अभी मेरे साथ बोलो बोलो साथ में इट इज इंस्टेड लाइट ए का साउंड देना है आपको हिंदी में जो आप वर्णमाला पढ़ते हैं अपनी उसी में आपको क्या करना है ए ए राइट वो जो ए होता है कि ए होता है लाइट रखना है कि स्ट्रॉन्ग रखना है वो समझने पर ध्यान दीजिए ओ औ, उ ओ जितने भी तुम्हारे वर्ड्स हैं सबके साउंड को पहचानो ठीक है नेक्स्ट हम अपना वर्ड देखते हैं फटाक से अब इसका तो बड़ा ही फनी एक मैंने आज ही सुना एस्किडेंट वॉट इज एन एस्किडेंट ये एक्सीडेंट है एक्सीडेंट नहीं है एक्सीडेंट बोलते बहुत सारे लोग अच्छा बहुत सारे लोगों के टी को बहुत हार्ड प्रोनाउंस करने का प्रॉब्लम होता है अब जैसे मैं बोल रही हूं एक्सीडेंट ट का साउंड है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सीडेंट ट प्रॉपर हार्ड टी पे नहीं लैंड करना होता है ज्यादातर जिन शब्दों के अंत में ट आता है उनको ट बोलिए जेंटल रखिए एक्सीडेंटा बोलने की जरूरत नहीं है ना ही डी पे बहुत जोर डालो ना ही ट पे एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे अब जैसे मैं एक्सीडेंट बोल रही हूं कई बार लोग एक्सीडेंट बोलते हैं ना एक्ट नहीं करना है उसको डेंटा नहीं करना है ना एक्सीडेंट भी नहीं होता है वो तो बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से यहां पर लिख दिया है आपके लिए सिंपल करो साथ में बोलो एक्सीडेंट सब कुछ जेंटल है है ना साथ में बोलिए एक्सीडेंट अब हिंदी में देखो नव्या तुमने लिखा है तो पता है कैसे पढ़ने में आ रहा है एक्सीडेंट और बहुत बड़ी जनता है जो एक्सीडेंट बोलती है बट इट इज नॉट एक्सीडेंट इट इज एक्सीडेंट डेंट लाइट रखो ठीक है नेक्स्ट देखिए इस वर्ड को तो बेचारे बच्चे प्रोनाउंस करने में क्या से क्या बना देते हैं जब भी कोई चीज तुमको थोड़ी अटपटी लगती है अजीब लगती है स्ट्रेंज लगती है तो वहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं बड़ा वियर्ड है अब इसी को प्रोनाउंस करते वक्त कई सारे स्टूडेंट्स वर्ड वर्ड पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं है ना शायद वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसको अच्छा बोलें लेकिन उस कोशिश में गलतियां होती हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए पे रुको ठीक है आर पे ध्यान मत दो आप, आपको क्या बोलना है weird, weird, proper वी और प्रॉपर वी और अधर ये तुम्हारा इंडियन एक्सेंट में भी यही प्रोनाउंसिएशन है weird, ठीक है वी अद नेक्स्ट देखिए ये डेवलप है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए डेवलप है डेवलप और डेवलप ये दो चीजें जब भी तुम किसी चीज के विकसित होने की बात करते हो विकास की बात करते हो राइट कि हमारे देश को डेवलप करने की जरूरत है हमारे माइंडसेट को डेवलप करने की जरूरत डेवलप कुछ नहीं होता है जो प्रनाउंसिएशन है ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको कहना है डिवेलप डी वेल अप डिवेलप प्रॉपर पहले जब बोलोगे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा सुनने में पर वो धीरे धीरे डिवेलप से डिवेलप बनता है डिवेलप डिवेलप डिवेल अप डिवेलप राइट सो so अब आप डेवलप नहीं बोल रहे हो आप डिवेलप बोल रहे हो डिवेलप ठीक है ये एक गलती मैं भी काफी अरसे तक करती आई हूं इसलिए समझा पाई नेक्स्ट हमारा वर्ड है विश्वसनीय जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं यकीन भरोसा कर सकते हैं ऐसे लोगों को बहुत अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं लेकिन यहां पर एक एडजेक्टिव है जो कि आप यूज कर सकते हैं उन लोगों के लिए एंड द वर्ड इज आप इसे क्या बोलते हैं खुद से चेक करिए पहले राइट right? आपने चेक किया अब अगर आपका उच्चारण इससे मैच कर रहा है रिलायबल 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 नहीं रिलायबल नहीं होता है reliable कैसे बोलना है रिलाय लाए रिलायल रिलाएबल सो यहां पर lie के बाद हल्का सा अ का साउंड है और फिर बल है सो so आप कैसे बोलेंगे reliable? अब देखो बहुत बार लोगों को ब जल्दी से बोलने में दिक्कत आती है रिलायबल कर देते हैं ब ल बिल्कुल अलग अलग साउंड करता है reliable नहीं बोलना है बल नहीं है वो बल है ब्लेंडिंग ऑफ साउंड बोलते हैं इसको जब आप ब और ल को आपस में मिक्स कर देते हैं दोनों साउंड को दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट चाहे आप हिंदी बोलो उर्दू बोलो अंग्रेजी बोलो फ्रेंच बोलो स्पैनिश बोलो जो बोलो ब्लेंडिंग ऑफ साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट सो डोंट कॉल इट रिलायबल कॉल इट रिलायबल बिल्कुल ब और ल, ल के साउंड को हमने जोड़ दिया मेक इट फादर इज मैन माय मदर है? नेक्स्ट देखते हैं अपना वर्ड ये वाला एडमायरेबल एडमायरेबल अब अगर हमें कोई भी चीज तारीफ के काबिल लगती है है ना कि uh, सरकार के द्वारा uh, शिक्षा के दिशा में उठाए गए कदम प्रशंसनीय है तारीफ के काबिल हैं एडमायरेबल हैं एडमायरेबल कुछ नहीं होता है कैसे प्रोनाउंस करना है एडमरेबल एडमरेबल इट इज नॉट एडमायरेबल एडमायरेबल कुछ होता ही नहीं है एडमायर वर्ब होता है है ना किसी को बहुत पसंद करना किसी की बहुत प्रशंसा करना उसे हम कह सकते हैं टू एडमायर है ना लेकिन जब इसको एडजेक्टिव बना रहे हैं तो ये क्या बन गया है भैया लाइव और लाइक बराबर करके फटाफट पहले शेयर करिए ठीक है क्योंकि आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए स्पेशल स्टेप लिया गया है तो ये लो एनर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी जल्दी से शेयर करो सब लोग ठीक है सो नाउ यू से एडमरेबल माई सिस्टर इज एन एडमरेबल पर्सन मेरी बहन बहुत ही प्यारी है यार उसकी तारीफ की जानी चाहिए है ना माई सिस्टर्स कुकिंग स्किल्स आर एडमरेबल मेरी बहन के खाना पकाने के स्किल्स बड़े प्रशंसनीय हैं तो आप बोल सकते हैं है ना ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं यहां पर ये वर्ड जब भी भी ये होता है कि यार मैं यहां जब भी आती हूं ना हमेशा मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है इस जगह को किसी ने श्राप दिया है इस जगह पर कोई श्राप है है ना कहानियां छोड़ो हम लोग कभी कभी बोलते नहीं यार एकदम पाप हो गया है यहां आओ जब देखो तब गाड़ी खराब हो जाती है दिस प्लेस इज दिस पीछे की गली इज शापित यानी उस पर कोई श्राप है तो आप अंग्रेजी में उस चीज को क्या बोलते हैं करसिड आज ही सुना है मैंने ज्यादातर वर्ड्स मैंने जो आज गलत सुने हैं वही लेकर के आई हूं तो कर्सड नहीं होता है वो और इस तरीके से बहुत सारे लोग एड को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा कर्ज एस और डी को ब्लेंड कर रहे हो आप यहां पर कर्ड एस और डी को आपने ब्लेंड करना है यानी उनका मिश्रण करना है कैसे करेंगे कर्ड कर्स्ड मेरे साथ बोलिए कर्सड नहीं ठीक है ठीक है बहुत शानदार भैया व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लास लगा दी है बेटा नव्या अब तो अब तो बस लगे रहने दो अब तो लोग आते ही रहेंगे मुझे लगता है बहुत शुक्रिया यार ठीक है अच्छा ये देखिए ये वाला वर्ड है हमारे पास होती है शताब्दी एक्सप्रेस हमें अपने आ, किसी ओपिनियन को आ, अभिव्यक्ति को बताना है मतलब आपको शेयर करना है आपके साथ अभिव्यक्त करना है व्यक्त करना है तब भी कहते हैं आई हैव टू एक्सप्रेस हर चीज एक्सप्रेस नहीं है वो जो तेज गति से काम होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को यानी अपनी बातों को जाहिर करने को शेयर करने को हम कहते हैं एक्सप्रेस ये ई का साउंड होता है भैया यहां पर एक्सप्रेस नहीं किया जाता है एक्सप्रेस किया जाता है लाइट रखो ए नहीं ई e से बोलो और लाइट करके बोलो एक्सप्रेस एक्सप्रेस आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू मैं अपना जो शुक्रिया है वो आप लोगों को तक पहुंचाना चाहूंगी जो मैं फील कर रही हूं सो आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू इस तरह से आपको इसे बनाना भी है और बोलना भी है ठीक है नहीं यार औफ अब तो अरसा बीत गया तुम कहाँ से आज सौ साल बाद ये सवाल पूछने लग गए अच्छा ये वर्ड है किसी को शर्मिंदा करना किसी को नीचा दिखाना तो इसके लिए क्या होता है एम्बेरस इम्बेरस कर दिया इम्बेरस एम्बैरस नहीं एम्बेरस एम्बेरस टू एम्बैरस सम वन एम्बैरस अस का प्रॉपर एम्बैरस नहीं एम्बैरस

और मिस्टुक जो है यहां पर एक मिस्टेक के सेकेंड मीनिंग की तरह यूज हो रहा है मिस्टेक का एक और अर्थ होता है जब आप किसी चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या किसी को कुछ गलत समझ लेते हैं जैसे कई बार होता नहीं है कि कोई इंसान खड़ा है और हमें लगता है कि वो मेरी बहन खड़ी है या मेरा भाई खड़ा है पर हम जाके देखते हैं तो वो कोई और निकलता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं अरे आई मिस अंडरस्टूड आई मिस टुक यू फॉर माई ब्रदर तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है मिस मिस्टुक, मिस्टुक तो अब आपको इसे भी यूज करना है है ना मिस्टूक नहीं बोलना है इसको किसी को हमने कुछ और समझ लिया किसी और बात को कुछ और समझ लिया किसी का मीनिंग गलत समझ लिया तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला वर्ड है उसी का बिल्कुल सिनेम होता है मिस्टुक और दोनों को लाइट रखो मे स्टुक मे मे लाइट लाइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ये क्या है एग्जैक्टली exactly. एग्जैक्टली exactly, मेरा यही कहने का मतलब था दिस इज नॉट ठीक ठाक एक्यूरेट एग्जैक्टली जब भी हमें कहना होता है कि हां बिल्कुल यही वाली बात हमें कहनी थी एक्यूरेटली यही कहना था हम कहते हैं एग्जैक्टली exactly. एग्जैक्टली exactly करने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली exactly होता है वो एग्जैक्टली सो हाउ डू यू से यहां पर जी का साउंड है इग इग जैक्ट जैक्ट एग्जैक्टली exactly. सो so, आप जितना क्लियर साउंड करेंगे ट्रस्ट में उतने इंप्रेसिव साउंड करेंगे उतने प्रभावशाली और शायद अथॉरिटी भी शब्दों से बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो पाती है फिर तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली exactly कहना बंद करके अब एग्जैक्टली exactly कहना शुरू करिए पहली चीज तो नेक्स्ट देखिए डेंजरस मैडम बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में था मैं सिचुएशन में था मैं डेंजरस कुछ नहीं होता है द प्रोनाउंसिएशन इसका अर्थ होता है खतरनाक ठीक है खतरनाक के लिए जनरली डेंजरस बहुत सुन रही हूं मैं आजकल डेंजरस ना बोल के डेंजरस बोलिए डेन डेन इज द प्रोनाउंसिएशन एवरी वन राइट तो कैसे बोलेंगे डेन डेंजरस डेंजरस इसको बहुत जेंटल करने पे अस एकदम साफ करो पे ध्यान दो अब बहुत सारे लोग जब साफ करने चलते हैं उच्चारण को तो डेंजरस की जगह बोल देते हैं डेंजरस इट इज वेरी डेंजरस ये और खराब लगता है जिसका जो उच्चारण है उसको वही बोलिए कुछ भी ऊटपटा ना बोले और अनाप शनाप ना बोले अच्छा एक बार फटाफट से सब लोग लाइव और लाइक बराबर कर दीजिए तो है ना नहीं नहीं माय मिस्टूक कुछ नहीं होता है भैया नाउन के फॉर्म नहीं बदलते हैं वर्ब के फॉर्म बदलते हैं मिस्टेक के दो अर्थ होते हैं पहला अर्थ होता है गलती दूसरा अर्थ होता है गलत समझ लेना तो जब गलत समझ लेना के सेंस में यूज करेंगे आरजू गुप्ता तब वहां पर आप लिखिएगा कि आई मिस्टुक यू माई मिस्टूक कुछ नहीं होता है अरे भाई दिमाग तो लगाया करोल राइट ये वाला देखिए इम्पॉर्टेंट है मैडम बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है पता नहीं क्या बना देते हैं महत्वपूर्ण को सिंपल सी बात को बोलने में पूरा खिलवाड़ हो जाता है उच्चारण के साथ आपको ध्यान देना इसको इस तरीके से बोलना है एम्पोर्टेंट अगेन साउंड ब्लेंडिंग है टिंट में इम्पोर्टेंट ट और न देखो टिंट शायद आप ऑनलाइन की वजह से इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे लेकिन मैं ट और न को मिक्स कर रही हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट इंपॉर्टेंट ट और तुरंत न पे स्विच दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान दो लास्ट वाले पे ध्यान दो इंपॉर्टेंट क्योंकि ट और न के बीच में कोई वर्ड नहीं है देर इज नो अदर साउंड इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं करना है इंपॉर्टेंट ट और न पे तुरंत स्विच है कोई और उसमें आपको स्वर नहीं डालना है नेक्स्ट देखिए अरे पूरे टाइम एक गलती करते हैं बच्चे मैम आई अटेंड योर क्लास अटेंड ये होता है और अटेंड ये होता है बहुत सारे लोग इसको अटेम्प्ट भी बना देते हैं प्लीज ऐसी गलतियां मत करिए क्योंकि ये गलतियां नहीं है ये दुर्घटनाएं बन जाती हैं एक अंग्रेजी फैकल्टी के लिए ठीक है तो प्लीज समझिए ये जो अटेन वर्ड होता है ना ए डबल टी ए आई एन इसका अर्थ होता है हासिल करना ठीक है आई अटेंड पीस आफ्टर आई मेट माई मदर है ना जब मैं अपनी माता जी से मिली तो मैंने क्या हासिल किया सुकून शांति तो यहां पर अटेन का मतलब होता है हासिल करना अचीव करना स्पेलिंग पर ध्यान दो और उच्चारण देखो क्या रहेगा अटेंड अटेंड ये वाला जो तुम्हारा वर्ड है इसमें ए नहीं ए लगता है वो भी लाइट अटेंड आई अटेंड उदिशा मैम्स क्लासेस एवरी डे हिस्सा लेना पार्टिसिपेट करना आई अटेंड अटेंड ये अटेंड और ये अटेंड और ये अटेम्प्ट टम्प्ट का मतलब होता है एफर्ट या फिर कोशिश ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर सीरियस ओके okay. हमारा जब भी कोई इंसान बड़ा गंभीर हालत में होता है बहुत गंभीर मूड में होता है तब हम ये यूज करते हैं सीरियस वैसे मैंने इसका तो आज तक खराब प्रोनाउंसिएशन कम ही सुना है लेकिन आप ये देखिए कैसे बोलेंगे सीर ईयस सीरियस राइट Serious, serious, bhi likh sakte hain aap isko, Serious, serious. I am serious. Serious, serious. I think sir and then down and then up. So serious. I think. I think no. E S. So e is high, a uh is down. So serious. That's how you. You can ड्रॉ चार्ट ऑल्सो सिखाते हैं बाई द वे सब एनी वे इनक्लूडेड शामिल करना मुझे अब उसके ग्रुप में शामिल किया गया मुझे उसने अपनी बातों में शामिल कर लिया लेकिन प्रोनाउंसिएशन लोग जो है अक्सर गलत करते हैं इंक्लूडेड आई वॉज इंक्लूडेड इन दैट डिस्कशन included इंक्लूडेड in uh, नहीं होता है वो इट इज नॉट इंक्लूडेड इट इज इंक्लूडेड क्लूड इनक्लूडेड इंक्लूड डेड भी नहीं है इंक्लूड डेड करने की जरूरत नहीं है इंक्लूडेड इंक्लूडेड तो जब तुम डेड को हल्का कर रहे हो जेंटल कर रहे हो तो वो ई e जैसा साउंड आता है और वह धीरे आता है इंक्लूडेड इंक्लूडेड जल्दी जल्दी बोलो इंक्लूडेड 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 तो वो आई डी का साउंड हो गया है अब इंक्लूड डेड करोगे तो वो ए हो जाएगा है ना इंक्लूड डेड नहीं इंक्लूडेड ठीक है आई वॉज इंक्लूडेड इन दैट डिस्कशन येस्टडे मुझे उस डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया था कल अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ये वाला इसमें तो हार्ड प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है अक्सर लोग कहते हैं करेक्ट करेक्ट बहुत करेक्ट बोला <laughs> इतना हार्ड नहीं करना है इजी करके देखते हैं करेक्ट करेक्ट क क नहीं क लाइट क इट इज करेक्ट करेक्ट जल्दी से क्या बोल रहे हो आप क, क करेक्ट नहीं बोल रहे हो आप, आप क्या बोल रहे हो करेक्ट सही

मैं भी उस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं या इस गलती में मैं भी मिला हुआ था इस क्राइम में वो भी मिला हुआ था तो मिला हुआ जुड़ा हुआ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन्वॉल्व राइट प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करेंगे इसका इन्वॉल्व वॉल्व्ड एल और वी का ब्लेंडिंग है यहां पर इन्वॉल्व ल पे तुरंत वर्ज आ रहा है आपका ठीक है सो so क्या कहेंगे आप इनवॉल्व In इन्वॉल्व्ड आपका जो सेकेंड एल के बाद वाला वी है वो बहुत कम साउंड कर रहा है आप कह रहे हैं इनवॉल्व इनवॉल्व इंफेसिस कहां पर है ओ के साउंड पर है इनवॉल्व सबसे ज्यादा क्या सुनाई देता है ओ सुनाई देता है इन्वॉल्व आई वॉज इन्वॉल्व है ना तो व व साउंड पर काम करिए इनवॉल्व इन इन्वॉल्व नहीं होता है बहुत सारे लोगों को व में दिक्कत आती है व को बनाते हैं बट वो मत किया करिए व जब भी भी हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर के दांत हमारे नीचे के लिप्स पे आते हैं व व और ब जब आप बोलते हैं ब या भ तो आपके दोनों लिप्स आपस में मिलते हैं इसका ध्यान दीजिए वरना आप हमेशा वर्ब को भर्ब बोलते रहेंगे और वो गलत होता है नेक्स्ट देखते हैं यहां पर यह एक महीने का नाम जो कि आप 2000 करोड़ बार तो सुन ही चुके होंगे कि यह फरवरी नहीं होता है। हिंदी हिंदी में भी इसका नाम अलग होता है अगर शुद्ध हिंदी वाला कैलेंडर देखोगे तो लेकिन जो कॉमनली uh, बोला जाता होता है फरवरी ठीक है अब घर के बच्चों को पूछो महीने का नाम बताओ तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून चालू कर देते हैं विच इज इन करेक्ट ना अगर अंग्रेजी में नाम बता रहे हैं तब इस महीने का नाम हो जाता है आप या तो बोल सकते हैं फेब्रुअरी या फिर आप बोल सकते हैं फेब्ररी आर हटा दो एफ ई बी के बाद वाला जो आर है ना वो हटा दो आसान हो जाता है एक्चुअली फेब्री फेब्री राइट right? फेब्रुअरी फेब्ररी राइट right? या तो आप फेब्रुअरी बोल सकते हैं या तो आप फेब्रुअरी बोल सकते हैं फेब्रुअरी फेब्रुअरी इवन दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट और ज्यादा दिक्कत है परेशानी है आपको कहना है फेब मेरा फेब मेरा बर्थडे में होता है फरवरी फरवरी नहीं बोलना है तो उसे कहते हैं नीति वाक्य या फिर है ना और यहां पर आज ये पढ़ लेने के बाद अब आगे से ज्ञान देने में और ज्ञान लेने में आपको बड़ी आसानी होगी ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आगे एक बार फटाफट से सब लोग सेशन को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हाय समनानी आज ट्रेनिंग से आया तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊं अच्छा आ रहे हो क्या दिल्ली आ रहे हो अच्छा क्लास में आ रहे हो चलो बहुत बढ़िया वेलकम बैक टू द सेशन ये जो जॉब के बाद भी स्टूडेंट्स आते रहते तुम हमारे बाकी स्टूडेंट्स को सिखाया करो है ना उनको बताओ कि कैसे नौकरी लेनी उन्हें भी बहरहाल तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस हमें दिख रहा है ट्रूथ इज बिटर जनरली लाइफ में ये होता है जब आप किसी से सच सच बोल देते हैं उनको चुभ जाती है राइट right? आपको कुछ नहीं कहना है अगर आपने सच बोला है तो वहां पर अपना पोथा खोल के आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ऑल यू हैटर माई फ्रेंड सो ट्रूथ इज बिटर बिटर का मतलब कड़वा सो so, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है सच्ची बात सबको कड़वी लगती है अगर तुम आज हमें भी कह दोगे ना कि मैम आप बहुत बोलती हैं अभी हंसी मजाक की बात अलग है कभी कोई बच्चा मिल के अचानक मैम आप बहुत बोलती है। तो मुझे बुरा लग जाएगा जबकि ये सत्य है कि मैं बहुत बोलती हूँ पर बुरा मुझे लग जाएगा सो ऑल यू हैव टू डू इज इज मैम बेटर सच्ची बात कड़वी होती है कभी गलती मत कर देना ये ठीक है <laughs> नेक्स्ट देखो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज देखो तुम कहां पर हो तुम क्या कर रहे हो कितना कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है उससे फरक फर्क से तुम्हारी स्पीड पे पड़ेगा अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हो भले एक घंटे की मेहनत करो है ना भले आप एक घंटे की ही मेहनत कर रहे हो हर दिन कर रहे हो बाकी लोग आठ घंटे कर रहे हैं, आप एक घंटे कर रहे हो बाकी लोगों को शायद एक साल में रिजल्ट मिलेगा पर तुम्हें भी मिल जाएगा दो साल चार साल में सो so, मेहनत जो करता है उसको रिजल्ट हमेशा मिलता है जल्दी या देर से वो उसकी मर्जी है सो so, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है अब ये देखो अगर इसका लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो हो जाएगा कि हार्डवर्क इज द लार्जेस्ट मनी विच इज मेकिंग नो सेंस इसका कोई तो लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है शब्द बाय शब्द ट्रांसलेट कर देना और नीति वाक्यों यानी सेइंग्स में हमको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए भाव समझना चाहिए जैसे कि आप लोगों ने एक ये मेरे मामा जी ने मुझे सिखाया था अभी होली पे मिले थे तो मुझसे कहते हैं अच्छा ये बताओ आंखों से गोली मारे का क्या मतलब होता है इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगी तो मैंने कहा कि शी शूट्स विद द आईज तो कहती नहीं कहते नहीं इसका वो बताओ भाव समझ के बताओ तो मैंने कहा यार भाव तो नहीं बता पाएंगे लेकिन मैंने उनको कहा था कि मैं एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट्स को दे दूंगी तो देखिए लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना होता है कहावतों सेंग्स में ठीक है लर्निंग्स में हम क्या करते हैं सेपरेट तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं जैसे हार्डवर्क ऑलवेज पेज हार्डवर्क से हमेशा कमाई होगी तुम्हारी हमेशा तुम्हें उसके बदले में रिटर्न मिलेगा ठीक है <coughs> उके आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स ये जो आप देखिएगा समाज में जो बेचारे नौकरी करते हैं करते हैं, घर का काम संभालते हैं मतलब जिन लोगों के ऊपर भी ज्यादातर जिम्मेदारियां हैं वो क्राइम वगैरह के बहुत मतलब बहुत दूर रहते हैं कुछ केसेस निकल जाए तो बात अलग है जनरली जो बेकार चीजें खराब चीजें समाज में होती है कौन करता है जो बिल्कुल ही अटरली खाली फोकट बैठा आदमी होता है है ना आइडलनेस की यहां पर बात हो रही है जिसका मतलब होता है खाली फोकट बैठना या किसी चीज किसी जस्ट <coughs> जस्टर हाँ जी तो जब भी कुछ करने का मन नहीं है तो सुस्ती से भरे हुए हैं पड़े हुए हैं बिल्कुल तो उसके लिए हम अपना वर्ड यूज कर रहे हैं आइडलनेस सुस्ती सभी रोगों की जड़ है और वाकई बता रहे हैं। अगर आपको कभी डिप्रेशन सा फील डिप्रेशन तो देखो बहुत बड़ा टर्म होता है इट्स काइंड ऑफ क्लिनिकल लेकिन मान लो तुम्हें अंदर से खराब लग रहा है तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ नेगेटिव फीलिंग हो रही है थोड़ा होपलेसनेस हो रहा है उठो और दस चक्कर लगा लो चाहे घर में ही कमरे के लगा लो इधर उधर चाहे बाहर निकल के सड़क पे अगर कर सकते हो तो वो कर लो लेकिन कर लो जब तुम्हारे अंदर थोड़ी एनर्जी आती है ना ये जो रिलीज होती है तुम्हारी यहां पे, वो पॉजिटिव कर देंगी तुम्हें और उस वक्त भी तुम्हें नेगेटिविटी से दूर कर देंगी राइट सो यूज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ऑफ एन एंड ऑल्सो फॉलो इट नेक्स्ट अ डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड जीवन का सबसे बड़ा सत्य है ये है ना जिन लोगों में आपस में ही फूट पड़ी हो ना वो तरक्की तो छोड़ो वो कभी नॉर्मली स्टेबल भी नहीं हो सकते हैं ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है दोस्त कि जिस घर में मतलब कोई भी फैमिली हो घर हो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा अलग है बट जब वहाँ फूट पड़ जाती है आपस में नफरत आ जाती है जब अविश्वास आ जाता है उसके बाद फिर वहां से नीचे 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 नीचे, नीचे की जर्नी शुरू होती है ठीक है इट्स इट्स ऑलवेज दोस्त हो जाए टीम्स हो जाए तो वर्क प्लेस पे पच्चीस लोग के साथ तुम काम करते हो आपस में सब एक दूसरे से नफरत करते हैं तरक्की पॉसिबल ही नहीं है और ये सारी बहुत पुरानी लर्निंग्स सेइंग्स हैं ठीक है, है तो इनको फॉलो भी करना है ट्रूथ ऑल आज तुम सच बोलोगे हो सकता है कि दस लोग से दुश्मनी हो जाए बट अंततः जीत तुम्हारी ही होगी और ये मैंने बहुत दिनों बाद सीखा है ठीक है पर्सनली अगर आप मेरे परिवार वालों से मिलेंगे सबको पता है कि मैं छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देती थी कभी मम्मी से डर के कभी पापा से डर के कभी भैया से डर के नहीं हमने ऐसा नहीं किया ये किसी और की गलती है या वट झूठ बोल देते थे और यार देखो मम्मी पापा तो वैसे भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको सब पता चल ही जाता है आपके बारे में मेरे बारे बारे में में अपने बच्चों के सबको पता चल जाता है तो इवेंचुअली पता चल जाता था कि मैंने झूठ बोला है फिर मैं और भुगतती थी वही मेरा भाई था उससे कोई गलती होती थी वो उसी दिन जाके मम्मी पापा को बैठा के बता देता कि हमसे गलती हो गई अब क्या करें आप ही बताइए तो भैया वो लोग उसका साथ देते थे शायद थोड़ा बहुत डांट देते होंगे लेकिन फिर वो आगे संभल जाता था तो ये चीज मैंने लाइफ में बहुत एंड में लर्न करी कि सुनो जो है जैसा है एज इट इज बता दो मम्मी आप समझ जाएंगे है ना तो ट्रूथ ऑलवेज विन सत्य की हमेशा विजय होती है हमेशा सत्य जीतता है तो ये बात आपको याद भी रखनी है और दूसरों को कहना भी है ठीक तो कभी भी किसी के प्रेशर में आके झूठ ना बोलना फमिलियारिटी ब्रीज कंटेम अरे यार अगर कोई चीज एक ही जैसी रोज 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 होने लगे जैसे जब भी तुम लोग की नौकरी लग जाती है तो तुम लोग देखा करो महीने भर में तुम लोग का एटीट्यूड बदल जाता है इसके पहले इतनी तुम्हारे अंदर आग होती है इतनी एनर्जी होती है यू वॉन्ट टू यू नो डू सो मच इन लाइफ अचीव सो मच इन लाइफ करना है बनना है उठना है उड़ना है नौकरी लगते ही महीने भर बाद हम यार ये वही है सुबह नौ बजे निकल जाओ रात को आठ बजे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं पैसे बच नहीं रहे हैं इतनी सी सैलरी आ रही है तमाम बातें शुरू होती हैं और उसके लिए अब आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज्यादा और एक ही जैसी होने लगती है तो कहते हैं फमिलियरिटी ब्रीथ कंटेम्प्ट ठीक है अब भाई पचास हज़ार रुपए अभी तक तो, तो तुम्हें बहुत बड़े लगते थे अब हर महीने आ रहे हैं तो वो छोटी रकम हो गई है है ना आ, पहले कोई नमस्ते नहीं करता था अब चार लोग आते जाते गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम कर रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए छोटी बात हो गई है है ना पहले तुम एक शर्ट नहीं खरीद पाते थे आज तुम अपने लिए छोड़ो मम्मी पापा भैया के लिए भी खरीद देते हो बार बार यही खरीदते हैं यार गाड़ी कब खरीदेंगे घर कब खरीदेंगे तो कोई भी चीज़ कोई भी इंसान कोई भी एक्शन यदि बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है अक्सर मिलने लगता है ज़्यादा दिखने लगता है ओवरली अवेलेबल हो जाता है तो वहां पर हो जाता है कि यार देखिए अधिक आना जाने में इंसान इज्जत खो देता है और हर वस्तु की इज्जत कम हो जाती है पैसा पहले नहीं था बहुत बहुत उसकी रिस्पेक्ट थी एंड देन इवेंचली यू स्टार्टेड अर्निंग एंड नाउ पैसा किसको चाहिए यार आदमी तो सुकून ढूंढ रहा है पहाड़ों में चलो सुकून मिलेगा uh, बहुत ही रिलेटेबल बातें मैं करती हूँ भले तुम लोग सुनते कम हो बातें मैं बहुत अच्छी करती हूँ ओके टॉपिक समझाए हैं थैंक यू पूजा गॉड ब्लेस यू बेटा दिस इज सिद्धार्थ सिन्हा ओके हाई सिद्धार्थ गुड टू सी यू ठीक है तो ये वाली जो बात है ना बेटा ये अपने लाइफ में लिख लो एक तो दो तरीके से इसको देखना कभी भी किसी के जीवन में किसी के घर में किसी के ऑफिस में ओवर अवेलेबल मत होना है ना क्योंकि तब तुम्हारे लिए उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी और दूसरा जो तुम्हारे पास रेगुलर बेसिस पे चीज आ रहा है उससे इरिटेट मत होना क्योंकि हो सकता है किसी दिन तुमने उसके बारे में पूजा प्रार्थना की हो सो so, ब्रीड्स नहीं breeds लिखा हुआ है कि जो फियरिटी होती है जो ज्यादा जान पहचान होती है मोनोटनी होती है वो जन्म देती है ब्रीड्स का मतलब जन्म देना वो किस चीज को कंटेम्प्ट को कोस को यू नो दैट फीलिंग दैट दिस इज नथिंग कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है कम समझना किसी चीज को वैल्यू लेस समझना दैट मूविंग ऑन एवरी वन नेक्स्ट हमारा फ्रेज है जो कि हमें दिख नहीं रहा है प्रॉस्पेरिटी गेंस फ्रेंड्स But adversity tries them. You will love it, and you should start using it. जब तुम्हारे दिन अच्छे होते हैं तुम तरक्की पे होते हो तुम्हारा तारा चमचमा रहा है तुम्हारे सौ दोस्त बनते हैं है ना सबको तुम्हारा वक्त चाहिए सबको तुम्हारा अटेंशन चाहिए सबको तुमसे बात करनी है तुम्हारे जैसा बनना है लेकिन जिस दिन वही सितारे गर्दिश में चले जाते हैं यानी थोड़ा फॉल की तरफ होते हैं तब पता चलता है कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है एक वक्त था जब मेरे भी सौ डेढ़ सौ दोस्त होते थे लोग पूछते थे बेस्ट फ्रेंड कौन है अरे बहुत सारे हैं यार बहुत सारे और आज है मैं ऐसे उंगली पे गिन सकती हूँ कि दो बेस्ट फ्रेंड है मेरे दो दैट्स ऑल आई से तो आपको याद रखना है कि आपका अच्छा समय आपको दोस्त कमा के देगा लेकिन जो आपका बुरा समय होगा वो जांचेगा कि तुम्हारे सच्चे मित्र कौन है और सेम बात को अंग्रेजी में तुम कैसे बोलोगे प्रॉस्पेरिटी गेंस फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी ट्राइज देम एडवर्सिटी उनका टेस्ट लेती है कि क्या ये सही दोस्त हैं या बस ऐसे ही आ गए हैं जीवन में खुशहाली मित्र बनाती है परंतु विपदा उनको परखती है विपदा जो होती है वो उनको परखती है नेक्स्ट देखते हैं पर पप ये तो काफी common है हमारे स्कूल में एक रिवाज था लाइक इट वॉज अ ट्रेडिशन कि हमें कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले फ्रेश पेज पे एक कोटेशन लिखनी होती थी और मैं हमेशा यही लिखती थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और एक और कोटेशन थी शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट थी ग्रेस इज़ लाइक परफ्यूम दोज़ हु वेयर इट आर सेल्डम अवेयर ऑफ इट ग्रेस या समथिंग एल्स डिग्निटी मे बी डिग्निटी कुछ ऐसा था ये शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट कोटेशन है एनी वे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अब ये कलयुग है इसमें इसको मानना और फॉलो करना बहुत टफ हो जाता है बट कोशिश हमेशा करनी चाहिए इंसान को यार देखो अब मूवीज़ में देखते हो ना कि एक क्राइम और वहाँ से दुनिया बर्बाद है ना एक गलती एक चीटिंग एक झांसा ये जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं सारे जहाँ से करके पैसे कमा के बैठे हैं मैं आज भी जानती हूँ कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज मैं किसी को झूठ नहीं बोल रही मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट इमेजिन करिए कि वो लोग की जिंदगी कैसी होती होगी जो बेईमानी करते हैं जिन जो अपनी नौकरी को ऐसे ताक पे रख देते हैं बिल्कुल ताकि हम चार पैसे धोखे से कमा लें तो so, आपको लाइफ टाइम ये याद रखना है कि ये मुश्किल ज़रूर होता है बेटा बट ईमानदारी जो है ना वो सबसे अच्छी पॉलिसी यानी नीति होती है जितना हो सके मैं कह रही हूं मैं आपको बता रही हूं कि बहुत टफ होता है भाई देखो लाल बत्ती तोड़ोगे तुमसे कहा जाएगा पच्चीस हजार का चलाने पांच हजार का चलाने पांच हजार देने की जगह तुम अंकल से पूछ लो कि सर सौ रुपए पांच सौ रुपए हजार रुपए कुछ ले लीजिए छोड़ दीजिए ऑफिस जाना था तबियत नहीं ठीक है जल्दी में हो गया एटसेट्रा तो ये होता है आपका पहला बेईमानी का स्टेप और फिर यहाँ से बहुत बढ़ जाते हैं लोग इसलिए या तो लाल बत्ती तोड़ो ही मत मेरी मानो ठीक है वहां से स्टार्ट करो नेक्स्ट एक्सटॉलिंग प्रेसिंग यू एट योर फेस इज फ्लैटरी तुम्हारे मुंह पे जो तुम्हारा बहुत तारीफ करता है ना मैं अभी लिख के दे रही हूं लिखो इसको राइट इट डाउन जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी सबसे ज्यादा तारीफ करे ना निश्चित तौर पे वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है निश्चित तौर पे है और आज भी लाइक व्हेन आई मीट पीपल इन पब्लिक प्लेसेस इन फैक्ट ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत मेजर फायदे में हो आज आप सब लोग क्योंकि आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि दिवाली के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लेकर के आया है बहुत ही शानदार ऑफर्स आई I मीन mean, बहुत 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 शानदार ऑफर्स इट्स लिटरली बहुत क्यूब आई मीन थ्री टाइम्स बहुत तो सबसे पहले काम करो जल्दी से सेशन को कर दो शेयर और चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि अभी आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे दिवाली के टाइम में अगर आप अपने कोई भी बैचेज़ में एडमिशन ले रहे हो या बुक्स परचेज कर रहे हो या महापैक वगैरह ले रहे हो तो यू आर गोइंग टू सेव अ लॉड ऑफ़ मनी एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ़ कॉन्टेंट for for all the exams for your spoken English for your personality development bank SSC teaching defense everything aur ha जब ये announcement हो रहा था I mean we did a video आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा हमने वो plan किया था तो uh, one second यार guys ये ना बहुत annoying system actually ठीक है हाँ तो मैं तो तभी एकदम सुपर हैपी हो गई थी कि वाओ दिस इज सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर माय स्टूडेंट्स तो भैया लोग जल्दी जल्दी कर दीजिए शेयर लाइक सब्सक्राइब और आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आपको बताना है कि दिवाली का जो स्पेसिफिक ऑफर है उसमें जो जो दो चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है पहले उसके बारे में बात करते हैं फिर आगे और भी फायदे की चीज़ें आपको बताने वाली हूं देखो अभी तुम्हारा बैच चल रहा है पराक्रम जो कि एक लाइव बैच है स्पोकन इंग्लिश का और लाइव बैचेस जनरली तुम अक्रॉस यूट्यूब अक्रॉस इंटरनेट कहीं भी ढूंढ लो लाइव बैच जितने भी होंगे बहुत एक्सपेंसिव हैं पर हम आपके पराक्रम बैच में आपको स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ इंटरव्यू प्रेपरेशन सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी दिवाली सेल में सिर्फ थ्री हंड्रेड नाइन रुपीज में मिल है ये आपको। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी रीजन है कि आप इस को मिस करें नंबर टू जितने भी हमारे वो कैंडिडेट्स हैं जो कहते हैं कि हमें एग्जाम टाइम में सिर्फ अंग्रेजी से डर लगता है उनके लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी ये बुक पॉकेट इंग्लिश बुक जो कि फोर इन वन है क्योंकि एक किट में चार किताबें हैं वैबलरी डेली यूज सेंटेंसेस और आपके जितने भी फ्रेजल वर्ब्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एडियम्स जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और बेसिकली जो आपकी मदद करते हैं शब्दों को दिमाग में रखने के लिए वो सारी चीज़ें इस एक किट से कवर हो रही हैं चार किताबों का टोटल प्राइस है सिर्फ टू हंड्रेड फोर्टी नाइन रुपीज़ और दो के दोनों प्रोडक्ट्स कितने पॉकेट फ्रेंडली और कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आई I मीन mean, किताब तो हर बच्चे को बहुत सारे बच्चों के घर पहुंच गई है एंड इतने फीडबैक्स इतने फीडबैक आई मीन इट वॉज ओवरवेल्मिंग हर बच्चा यही कह रहा है कि मैम ऐसी चीज़ बना दी है कि कोई भी पेज खोल लो बस खुशी हो रही है क्योंकि हम कुछ नया सीख रहे हैं और प्रॉपर सीख रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें लोएस्ट प्राइसेस पे प्राइसेस पे अवेलेबल हैं इसके साथ साथ अगर आप अडर ट्वेंटी फोर सेवन की का कोई भी प्रोडक्ट कोई भी महापैक कुछ भी ले रहे हो तो आपको वैलिडिटी मिल रही है तगड़ी डबल प्लस थ्री यानी कि छः प्लस छः प्लस तीन का आपको वैलिडिटी का सिस्टम मिल रहा है यहां पर वन सेकेंड इसके साथ साथ आप जो तेरा क्यों लिखते हैं उदिशा है? तीन की जगह तेरह कौन ज्यादा तीन तेरा मत करो हाँ ठीक है एनी anyway, वे तो यह आपको मिल रही है थ्री टाइम्स आपको वेलिडिटी एक तरह से हम दे रहे हैं यहाँ पर एंड आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताया फ्लैट एटी परसेंट ऑफ मिल रहा है थ्री टाइम्स वेलिडिटी मिल रही हैं बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन पर और अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के वेबसाइट पर फिलहाल मैंने आपके सामने आपकी वेबसाइट खोली हुई है तो एक बार इसको ध्यान से देखते हैं गाइज ओके okay, हाँ ठीक है ये क्लियर ही है आप समझ लो um, ठीक अब तुम जैसे ये वेबसाइट पे आ गए ठीक है तो तुम्हें कई बार होता है बच्चों को चिंता कि हम कैसे ढूंढेंगे पराक्रम का लिंक आपके चैट बॉक्स में है मान लो तुम्हें पॉकेट इंग्लिश सर्च करनी है तो तुमने सर्च बॉक्स पे ऐसे क्लिक करना है फिर लिखना है पी ओ सी के ई टी स्पेस ई एन जी पॉकेट इंग्लिश ढूंढ रहे हो तुम ठीक है अब देखो यहां पर दिख गई पॉकेट इंग्लिश पॉकेट इंग्लिश दिख रहा है ना कोई से भी, भी क्लिक कर दो आप सेट ऑफ फोर बुक्स येस क्लिक ऑन दैट ये रही आपकी किताब इस पे भी अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को ये देखो जैसे 255 दिख रहा है ना इसको आप हटा दो जो कोड लगा है वो हटाओ मोर ऑफर्स पे जाओ कुपॉन कोड अपना लिखो सबको याद होगा कूपन कोड तो गाइस वाई वन सिक्स नाइन एस और अप्लाई कर दो ठीक है और आप देखो 249 में मिल रही है ना बुक तो कोड क्या है किताबों के लिए y169s है अब मान लो तुम्हें पराक्रम बैच बैंक महापैक पैक एसएससी महा पैक कोई सा भी महापैक लेना है तो उस पे कोड क्या लगेगा y169 लगेगा अब तुम यहां पर जैसे पराक्रम को सर्च कर लो सीधा ठीक है स्पेलिंग का ध्यान रखना p a r a k r a m ठीक है स्पेलिंग तो आनी चाहिए अब देखिए आपको दिख रहा है बाई उदिशा ये आ गया इस पे पहुंच गए अभी फोर थर्टी दिख रहा है ना इसको हटा दो ठीक है हटाओ भाई मोर ऑफर्स पे जाओ कोड लगाओ वाई वन सिक्स नाइन अप्लाई कर दो ठीक है थ्री नाइनटी वन मैंने क्या बताया था लोएस्ट प्राइसेस पे मिलेगा आपको इस कोड पे आपका हर प्रोडक्ट तो तुम्हें अगर किसी चीज़ की पर्टिकुलरली तैयारी करनी है ना भाई देखो चाहे वो बैंक हो एस हो टीचिंग हो डिफेंस हो और जितने भी एग्जाम्स हम कवर करते हैं अडा ट्वेंटी फोर सेवन में आपको एक तरफ तो अपनी वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है बट एट द सेम टाइम आप लोगों को अपने फ्यूचर की तैयारी भी करनी होती है और फ्यूचर में इन्वॉल्व करते हैं हम हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी बोले जाने वाली अंग्रेज़ी को कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग पर्सनालिटी को और ये सारी चीजों के लिए याद रखना कि बाकी तो सब कुछ एनरोल कराओ ही कराओ तुम्हारा जो पराक्रम बैच है उसमें तुम्हें 110 परसेंट एडमिशन लेना है रीजन ही नहीं है कि तुम एडमिशन क्यों नहीं लोगे थ्री नाइनटी थर्टी लाइव क्लासेस जहां पर आप मेरे साथ बातचीत करेंगे बाकी बच्चों के साथ बोल करके अंग्रेजी की प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट सीख के प्रोनाउंसिएशन सीख के और अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखेंगे तो देखो भाई अगर रीजन ही नहीं है डिले करने का तो फिर क्यों कर रहे हो मुझे भी नहीं पता आपको ऑफर के बारे में अच्छे से बता दिया है एक बार आपको दिखा देते हैं कि मान लो आपको कुछ और परचेज करना है मान लो आपको बैंक का कोई प्रोडक्ट लेना है ठीक है जैसे आपने स्क्रॉल अप किया यहाँ पर बैंक महापैक दिख रहा है इस पर क्लिक कर दो ठीक है अब फॉर ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम हमने कर दिया इस पर क्लिक इसको हटाते हैं और अभी लगा हुआ है इस पर अक्टूबर सेवेंटी इसको हटा देते हैं मोर ऑफर पे जाते हैं कूपन कोड सब लोग बता दो अभी सिखाया था वाई अप्लाई कर दीजिए हो जाइए हटा दिया मेरा कूपन कोड हटा दिया नहीं नहीं दिस इज सम टेक्निकल एवरी वन बट वी विल डेफिनेटली चेक किसी और प्रोडक्ट पे लगा के दिखाऊं या आपको गोल्ड पैक पे दिखा देती हूँ मैं एक सेकेंड uh, मेहनत बहुत करनी पड़ती है गाईज. बोलते बोलते ये सब करना पड़ता है ना मुझे मैं थक जाती हूँ बिल्कुल कहा है ये रा स्किलिंग में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है समथिंग रॉन्ग ओके स्पोकन इंग्लिश में डर गई भाई चलिए ठीक है ये सारे अच्छा कल की आपका बैच आपके सामने है जो कि आपको 50 प्लस दिखा रहा है sure आपको मिल जाएगा आप लगाइए में आपको फिफ्टी प्लस अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी क्लासेस का पूरा रिकॉर्डेड चाहिए तो कल की टू पॉइंट ओर लाइव चाहिए तो पराक्रम और आपकी बुक्स चाहिए तो वाई वन सिक्स नाइन एस yes. ये आज का सेशन सिर्फ इसीलिए मैंने किया ताकि आपको ऑफर्स के बारे में अच्छे से बता सकूं आपके सारे महापैक्स आपकी सारी बुक्स आपके सारे लाइव प्रोडक्ट्स पे आपको ये कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा तो फटाफट -फड़ से जाइए इन्जॉय करिए एनरोल करिए दिवाली पे इंजॉय भी करो लेकिन अपने फ्यूचर का भी जुगाड़ कर लो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड आई सी यू गाइज नाउ ऑन मंडे आज सैटरडे है छुट्टी है कल हमारी मंडे को मुलाकात होगी एक नए फ्रेश सेशन के साथ तब तक अपना ख्याल रखें ध्यान रखें मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास के साथ बाय